ओके, गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस। मुझे बताओ, प्रेफरेंशियल कैपिटल इक्विटी होता है कि लाइबिलिटी? आज तो मैं 15 मिनट शुरू के एग्जाम्पल से आपसे बात करूंगा और आपको मुझे जवाब देते जाना है। जो जो एग्जाम्पल पूछूंगा वो लिखते भी जाना। प्रेफरेंशियल कैपिटल इक्विटी होता है कि लाइबिलिटी? जल्दी बोलो, मुझे आंसर चाहिए अभी के अभी। इक्विटी होता है कि लाइबिलिटी? टेल मी, लाइबिलिटी होता है। रीजन, इक्विटी होता है। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे इक्विटी होता है, तो चलो, जो लोग बोल रहे लाइबिलिटी होता है वो मुझे बताओ लाइबिलिटी क्यों होता है, जो लोग बोल रहे इक्विटी होता है वो लोग बताओ इक्विटी क्यों होता है। कंपल्सरी रिडीम करना पड़ता है, इसीलिए वो लाइबिलिटी है बिजनेस की। इक्विटी बोला किसी ने? कंपनी अगर वाइंड अप हो गई तो उनको कंपलसरी रीपे नहीं करना पड़ेगा, ऐसा? अच्छा, तो इसीलिए वो इक्विटी होता है, मतलब हमारी कोई लाइबिलिटी नहीं है उनको पे करने की, ऐसा हुआ? कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, वेरी गुड। मतलब ये नया आंसर आया, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। कैसे बेटा? हाँ, हमारा कैपिटल भी होता है तो इसलिए इक्विटी हो गया, और उनको देना भी पड़ता है इसलिए लाइबिलिटी हो गया। बट आंसर तो एक ही होगा। हाँ, अच्छा, मैं थोड़ा सा और इसमें चीजों को थोड़ा सा और स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ लेता हूं। रिडीमेबल प्रेफरेंशियल कैपिटल क्या होना चाहिए? लाइबिलिटी। रिडीमेबल, रिडीमेबल का मतलब क्या होता है? क्या होता है रिडीमेबल? मतलब मुझे रीपे करना पड़ेगा। आई बात समझ में? आपको वॉइस ज्यादा तो नहीं लग रही? सब ठीक लग रहा है? ओके, थोड़ी देर तू यहीं पे रहना है ना भाई, चाय वाय पी के आया तो? हाँ, जल्दी आ जा। सो मुझे रीपे करना ही पड़ेगा। प्रेफरेंशियल कैपिटल अगर रिडीमेबल है, रिडीमेबल है मतलब रिडीम, रिडीम मतलब रीपेमेंट, रीपेमेंट मतलब रीपेमेंट मुझे करना ही पड़ेगा। आप जानते हो प्रेफरेंशियल कैपिटल का मैक्सिमम रिडम्पशन पीरियड कितना होना चाहिए? 20 ईयर्स। मैक्सिमम कितना होता है रिडम्पशन पीरियड? 20 ईयर्स। मतलब आज अगर तेरी कंपनी प्रेफरेंशियल कैपिटल इश्यू करेगी ना, तो मैक्सिमम कितने पीरियड के लिए इश्यू कर सकती है? 20 ईयर्स के लिए। और 20 ईयर्स तक तेरे पास पैसे हो सकते हैं शेयर होल्डर्स के, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के। उसके बाद तेरे को पैसे वापस करने ही पड़ेंगे अगर वो रिडीमेबल है तो। क्या है तो? रिडीमेबल है तो तेरे को पैसे वापस करने ही पड़ेंगे। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? सो रिडीमेबल प्रेफरेंशियल कैपिटल हमेशा लाइबिलिटी होता है, इक्विटी नहीं होता है। गाइज, अंडरस्टूड और नॉट? लिख लो अपनी कॉपी में एग्जाम्पल। सर आप लिखवाओगे? नहीं, तुम्हें लिखना है। सर कौन सी भाषा में लिखें? जो चाहो। सर हिंदी में चलेगा? चलेगा। मराठी में चलेगा? चलेगा। हिब्रू में भी चलेगा, लिखो बस। मैं आता हूं ना भाई, मैं हूं, आज हूं, पूरा दिन हूं, टेंशन मत ले। रिडीमेबल प्रेफरेंशियल कैपिटल जो होगा वो एक लाइबिलिटी होता है। समझेगी नहीं? अच्छा सर, अगर इररिडीमेबल हुआ तो? इररिडीमेबल प्रेफरेंशियल कैपिटल हुआ तो? अरे मान लो कर दिया, वैसे इररिडीमेबल अपन प्रेफरेंशियल इश्यू नहीं कर सकते। अरे कर दिया, मान लो वो चीज हटाओ कि लॉ ने मना किया है, मान लो कर दिया, फिर क्या हुआ? टेल मी, इररिडीमेबल प्रेफरेंशियल कैपिटल मतलब हमें कभी रिडीम नहीं करना पड़ेगा, तो क्या होना चाहिए वो? टेल मी, टेल मी, थोड़ा सा सोचो। इट शुड बी इक्विटी। व्हाई इक्विटी? रीपे करने की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं, कोई ऑब्लिगेशन है ही नहीं। आई मेरी बात समझ में कि नहीं?
भाई इरिडीमेबल है ना, मतलब मुझे सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट पे करते जाना है, सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट पे करते जाना है, प्रिंसिपल अमाउंट रीपे करने की मेरी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। आई बात समझ में कि नहीं? तो लिख लो अपने एग्जाम्पल में दूसरा नंबर पॉइंट, इरिडीमेबल प्रेफरेंशियल कैपिटल। ये इक्विटी होता है, लाइबिलिटी नहीं होता है। नो ऑब्लिगेशन टू रीपे द प्रिंसिपल अमाउंट, नो ऑब्लिगेशन टू रीपे द प्रिंसिपल अमाउंट। क्लियर? अच्छा, इक्विटी शेयर कैपिटल रिडीमेबल होता है कि इररिडीमेबल होता है? इक्विटी शेयर कैपिटल, टेल मी, इररिडीमेबल होता है कि रिडीमेबल होता है? इक्विटी, इक्विटी शेयर कैपिटल, हाँ, इक्विटी शेयर कैपिटल इररिडीमेबल होता है। इक्विटी शेयर कैपिटल के ऊपर कभी भी कंपनी की कोई लाइबिलिटी नहीं होती, ऑब्लिगेशन नहीं होती रीपे करने की। मतलब एक बार कंपनी ने इक्विटी शेयर इशू कर दिया तो उसके बाद वो हमेशा हमेशा के लिए वो इक्विटी ही रहेगा, वो कभी कंपनी की ऑब्लिगेशन नहीं बनेगा कि हमें उसको रीपे करना है। आई मेरी बात समझ में कि नहीं? सो इक्विटी शेयर कैपिटल तो बाय डिफॉल्ट हमेशा क्या होता है? इक्विटी मतलब इररिडीमेबल। अरे अंडरस्टूड और नॉट? पर नाउ, अब पर लगा रहा हूं मैं उसमें, हाउ एवर, बट इफ, अगर मैं ये कहूं, बेटा नाम क्या है आपका? वर्षा, मैंने तुम सबको इक्विटी शेयर इशू किए इंक्लूडिंग वर्षा, राइट? मैंने सबको इक्विटी शेयर कैपिटल इशू किया, इक्विटी शेयर इशू किया इंक्लूडिंग वर्षा। अब वर्षा जो है, मान लीजिए मेरी कंपनी के प्रमोटर हैं। प्रमोटर समझते हो? कौन होता है प्रमोटर? जिसने कंपनी बेसिकली फॉर्म किया है, जो कंपनी ने, जिसने कंपनी को बनाया है और जिसने पैसे लगाए हैं मेजली कंपनी को। तो वर्षा इज अ प्रमोटर, इज वन ऑफ द प्रमोटर ऑफ द कंपनी। मैंने वर्षा को भी इक्विटी शेयर इशू किए आप सबकी तरह, ठीक है? अभी तक बताइए, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपसे पैसे ले लिए हैं, इक्विटी शेयर मैंने आपको इशू कर दिए हैं। मुझे बताओ, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने जो आपसे पैसे लिए हैं, मेरे लिए लाइबिलिटी हुआ कि इक्विटी हुआ? मेरे लिए लाइबिलिटी हुआ कि इक्विटी हुआ? मेरे लिए इक्विटी हुआ। क्यों? मैंने आपको इक्विटी शेयर इशू किया है, और इक्विटी शेयर इशू करना एक लाइबिलिटी नहीं होती। ओ भाई, एक लाइबिलिटी नहीं होती। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? ओके। पर वर्षा को मैंने एक ऑप्शन दे दिया, वर्षा को मैंने एक ऑप्शन दिया, वर्षा आप एक काम करिए, एक साल तक आपके पास एक ऑफर है हमारी कंपनी का, आपको एक ऑफर है, आप चाहो तो, सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, आप चाहो तो ये जो शेयर आपने हमसे लिया है ना, हमने आपको इशू किया ये शेयर, आप चाहो तो ये शेयर एक साल में हमारे पास आइएगा, हमें वापस इसको बेच के चले जाइएगा, हम आपको एक पर्टिकुलर फिक्स वैल्यू आपको पे कर देंगे। मैं फिर से इसको बोलता हूं, मैंने तुम सबको शेयर इशू किया है इंक्लूडिंग वर्षा, पर मैंने वर्षा को एक ऑप्शन दिया है, एक ऑफर दिया है कि वर्षा साल भर का एक ऑफर है, आप जब बोलोगे साल भर में आपको मैं पैसे वापस कर दूंगा अगर आप अपना शेयर मुझे वापस बेचना चाहोगे तो। और कितने के हिसाब से? 90 रुपीज पर शेयर के हिसाब से। कितने के हिसाब से? जल्दी बोलो, कितने के हिसाब से? 90 रुपीज पर शेयर के हिसाब से। सर ऐसा होता है क्या? हाँ होता है। अभी तुम छोटे छोटे बच्चे हो, अभी धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ते जाओगे तुम्हें सच्चाई मालूम पड़ती जाएगी मार्केट की, कि हाँ क्या क्या चीजें होती हैं। सो मैंने वर्षा को एक ऑप्शन दिया कि तुम आना एक साल भाई, कभी भी आना, और तुम्हें अगर अपना शेयर मुझे वापस बेचना है, तुम्हें पैसे चाहिए, तो मैं तुम्हें देने को तैयार हूं, मैं तुम्हें 90 रुपीज रीपे करने को तैयार हूं, मैं तुम्हें 90 रुपीज रीपे करने को तैयार हूं अगर तुम चाहोगे तो।
अब अपने आप को वर्षा मान लो, ठीक है ना, लड़के लोग भी। अब ये सोचो कि वर्षा ये ऑफर एक्सेप्ट करेगी कि एक्सेप्ट नहीं करेगी, और एक्सेप्ट करेगी तो कौन से केस में करेगी, नहीं करेगी तो कौन से केस में करेगी, नहीं करेगी। हाँ, शेयर प्राइस पे किसने बात की, बोलो बोलो बोलो। अगर शेयर प्राइस 90 रुपीज के, मार्केट का शेयर प्राइस 90 रुपीज से कम होगा तो वर्षा ऑफर एक्सेप्ट करेगी, और अगर शेयर का प्राइस 90 रुपीज से ज्यादा होगा, मार्केट प्राइस 90 रुपीज से ज्यादा होगा, तो वर्षा को कोई इंटरेस्ट नहीं है ये ऑफर एक्सेप्ट करने में। आपको बात समझ में आ रही है कि नहीं? वर्षा बोलेगी जब शेयर का प्राइस 90 रुपीज से ऊपर है तो मैं डायरेक्टली जाके मार्केट में ये शेयर बेचूं। अरे बोलना यार। पर अगर मान लो शेयर का प्राइस 90 रुपीज से कम है तो वर्षा बोलेगी बेहतर होगा कि मैं कंपनी को जाके ऑर्डर करूं कि मुझे मेरे पैसे वापस करो, और कंपनी को पैसे वापस करने पड़ेंगे। अरे बोलो यार। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मान लीजिए इस एक साल में मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इज मोर, सॉरी मोर नहीं, लेस देन 90 है, तो क्या वर्षा ये ऑफर एक्सेप्ट करेगी? टेल मी, क्या ये वर्षा ऑफर एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी? और अगर वर्षा ऑफर एक्सेप्ट करेगी, अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है, और कंपनी जानती है कि मार्केट में जो प्राइस है ना वो 90 से कम ही चलेगा, कंपनी जानती है, और कंपनी का जो प्राइस है ना वो लिस्टेड प्राइस है। लिस्टेड प्राइस मतलब आप समझते हो, लिस्टेड प्राइस मतलब क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज में वो 90 रुपीज से कम वैल्यू पे बिक रहा है, कंपनी जानती है और कंपनी को पता है कि साल भर तक प्राइस 90 से कम ही होने वाला है, कंपनी का एक्सपेक्टेशन है, कंपनी का अंदाजा है कि 90 से कम ही चलने वाला है। क्या बताओ, जल्दी ध्यान से सोचो कि अगर तुम एक कंपनी हो और तुम्हारा अंदाजा है कि प्राइस 90 से कम ही रहने वाला है साल भर तक, तो तुमने जो ये ऑफर वर्षा को दिया है, तुम इसको अपने बुक्स में क्या दिखाओगे, लायबिलिटी दिखाओगे कि इक्विटी दिखाओगे? क्या दिखाना चाहिए तुम्हें इसको? क्या बोला? ऑब्वियसली लायबिलिटी। क्यों लायबिलिटी? क्योंकि कंपनी के ऊपर क्या है, ऑब्लिगेशन, क्योंकि कंपनी ने क्या किया है, कमिटमेंट, कंपनी ने क्या कर दिया, कमिटमेंट कि मैं आपको रीपे कर दूंगा। अरे आया समझ में कि नहीं? बोलना बेटा, क्लियर हुआ कि नहीं? चलो लिखो तीसरा एग्जाम्पल, ये मैं लिखवा रहा हूं क्योंकि इसको आपको लिखने में हो सकता है कठिनाई हो। इसमें पहले हेडिंग लिखो, इक्विटी शेयर्स विद ऑप्शन टू रीपर्चेस, विद ऑप्शन टू रीपर्चेस, इक्विटी शेयर्स विथ ऑप्शन टू रीपर्चेस, विथ ऑप्शन टू रीपर्चेस एट अ फिक्स प्राइस, एट अ फिक्स्ड प्राइस। ठीक है, ये एक आपकी हेडिंग हो गई, इसको अंडरलाइन कर लो और डैश लगा के आगे लिखो। ये आपकी हेडिंग हो गई, इसको अंडरलाइन करना और अब डैश लगा के आगे लिखो, इक्विटी शेयर्स आर ऑलवेज क्लासिफाइड अंडर इक्विटी, इक्विटी शेयर्स आर ऑलवेज क्लासिफाइड अंडर इक्विटी, इक्विटी शेयर्स आर ऑलवेज क्लासिफाइड अंडर इक्विटी फुल स्टॉप। बट इफ द कंपनी हैज गिवन ऑप्शन, इफ द कंपनी हैज गिवन ऑप्शन टू इट्स शेयर होल्डर्स, टू इट्स शेयर होल्डर्स टू इट्स शेयर होल्डर्स टू रीसेल सच शेयर्स टू द कंपनी, टू रीसेल सच शेयर्स टू द कंपनी,
टू रीसेल सच शेयर्स टू द कंपनी. At a fixed price. And the market price of share is lower than the price offered. Agar market price kam hai, if the market price of the share is lower than the price offered. Price offer matlab samajh gaye? Fixed price wala. Samajh gaye na sab? If the market price of the share is lower than the price offered, in that case, such equity share issued by the company, shall be classified as a liability. Shall be classified as a liability. पढ़ लीजिए एक बार मैंने क्या लिखवाया. No. टेक्निकली ये ऑफर किसी को भी दिया जा सकता है, बट प्रैक्टिकली कंपनी ऑफर जनरल पब्लिक को नहीं देती, नहीं तो कोई बचेगा ही नहीं. सारे लोग वापस आ जाएंगे कंपनी के पास और बोलेंगे पैसे लाओ. अगर मार्केट में शेयर का प्राइस कम है तो सभी लोग आप क्या बोलेंगे, हमें पैसे वापस करो. बात समझ में आएगी? नहीं मतलब सप्लाई बढ़ जाएगी, डिमांड सप्लाई इफेक्ट ना, सप्लाई वापस से बढ़ जाएगी तो कंपनी इतना रीपे नहीं कर पाएगी. ये ऑफर किसको दिया जाता है? जनरली सिलेक्टेड शेयर होल्डर्स को, क्योंकि हमें पता है कि वो शेयर होल्डर्स ने पैसे टेम्पररी लगाए हैं. अब हमें कुछ भी करके उनको पैसे वापस भी करने हैं, पर उन्होंने इक्विटी खरीद लिया है. समझो बात को. जैसे बेटा आपका नाम क्या है? श्रावणी. श्रावणी ने मेरी कंपनी में पैसे लगाए. मैंने श्रावणी को जाके हाथ पैर जोड़े कि बेटा पैसे लगा दो यार, मेरे को पैसों की जरूरत है. तो श्रावणी ने बोला सर दो शर्तें हैं, पहले तो मुझे वोटिंग राइट्स चाहिए. मैं जब तक आपकी कंपनी में शेयर होल्डर रहूंगी मेरे को वोटिंग राइट चाहिए सर, क्योंकि आपका भरोसा नहीं है, पता नहीं क्या क्या करने वाले हो, मेरे को वोटिंग राइट चाहिए, मेरे पास भी पावर होना चाहिए. मैंने ठीक है आपको वोटिंग राइट दिया. अब एक बात बताओ, वोटिंग राइट किसको मिलता है? प्रेफरेंस वालों को कि इक्विटी वालों को? इक्विटी वालों को. तो मैंने इसको इसीलिए क्या इश्यू कर दिया? इक्विटी. फिर श्रावणी ने दूसरी कंडीशन रखी, पर सर ना मैंने ना जो आपको पैसे दे रही हूं ना, मेरे को ना लिमिटेड टाइम के लिए आपकी कंपनी में पैसा लगाना है, मैं ना ज्यादा टाइम के लिए नहीं लगाना चाहती, मैं लिमिटेड टाइम के लिए लगाना है. अब क्या है, श्रावणी जो है ना ये सबसे बड़ी शेयर होल्डर बनने वाली है मेरी कंपनी में, क्योंकि श्रावणी के पास सबसे बड़ा पैसा है, सबसे ज्यादा पैसा वही लगा रही है. बाकी सब लोग नॉर्मल लगा रहे हैं, श्रावणी सबसे बड़ा पैसा लगा रही है और मुझे श्रावणी से फंड्स की जरूरत है, तो मुझे श्रावणी की कंडीशंस माननी पड़ी. ठीक है ना? तो श्रावणी ने मुझे बोला कि सर दूसरी कंडीशन यह है कि मेरा पैसा लिमिटेड टाइम के लिए लगा होना चाहिए, मैं हाईएस्ट से हाईएस्ट 3 साल के लिए पैसे लगाऊंगी, 3 साल बाद मुझे पैसे वापस चाहिए. मैंने बोला यार बेटा ये थोड़ा कैसे हो सकता है, आपको तो मैं इक्विटी इशू कर रहा हूं और इक्विटी शेयर तो इररिडीमेबल होते हैं. मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? सर आपको जो करना है करो, मेरे को नहीं जानता, मेरे को तो मेरा पैसा 3 साल बाद वापस चाहिए. तो मैंने सोचा चल ठीक है. अब क्या है, बाकी शेयर होल्डर्स को भी मना नहीं कर सकता, बाकी शेयर होल्डर्स को भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए. तो मैंने उनको क्या किया, मैंने श्रावणी को अलग ही टाइप के इक्विटी शेयर इशू किए. मैंने नॉर्मल सबको इक्विटी शेयर इशू किए, पर मैंने श्रावणी को जो इक्विटी शेयर इशू किए वो अलग टाइप के इक्विटी शेयर किए विद द ऑफर टू रीपर्चेज वाले. मेरी बात समझ में आई कि नहीं? क्यों? क्योंकि श्रावणी एक वन ऑफ द प्रमोटर ऑफ द कंपनी है, पर वो ज्यादा दिन तक कंपनी में टिकना नहीं चाह रही. कुल मिला के बात समझ में आएगी नहीं? और मैंने इनको जानबूझ के 3 साल तक का बोल दिया, ताकि 3 साल में मैं बाकी के फंड्स अलग जगह से अरेंज कर रहा हूं, ताकि मेरी कंपनी में स्टेबिलिटी रहे.
कुछ समझ में आया कि नहीं, ऐसा मैं सबके साथ नहीं कर सकता, नहीं तो कंपनी में तो सभी लोग वापस आ जाएंगे, पैसे चाहिए पैसे चाहिए पैसे चाहिए। आई मेरी बात समझ में कि नहीं? तो ऐसा सिलेक्टेड लोगों के साथ होता है, होने को सबके साथ हो सकता है पर कभी ऐसा प्रैक्टिकली होता नहीं है। आई मेरी बात समझ में कि नहीं? अरे बोलना। ऐसे शेयर होल्डर्स को, ऐसे श्रावणी जैसे इक्विटी शेयर होल्डर्स को बोला जाता है, या श्रावणी श्रावणी को जो मैंने इक्विटी शेयर इशू किए, मैंने बोला ना अलग टाइप के इशू करूंगा, ऐसे इक्विटी शेयर्स को बोला जाता है पुटेबल इक्विटी शेयर्स। क्या बोला सर आपने? अरे लिखने से पहले सुन लो, वापस से दो बार पहले सुन लो, फिर लिखाऊंगा मैं उसकी स्पेलिंग भी बताऊंगा, पहले लिख लो, पहले सुन लो, पहले पुटेबल इक्विटी शेयर्स, पुटेबल इक्विटी शेयर्स। सर ये क्या होता है पुटेबल? एक्चुअली द प्रॉपर वर्ड इज पुट, पुट द प्रॉपर वर्ड इज पुट। ये जो पुटेबल वर्ड बना है इस पुट वर्ड से बना है। इस पुट वर्ड का मतलब होता है राइट टू सेल। पुट का मतलब क्या होता है? राइट टू सेल। सो श्रावणी हैज द राइट टू सेल इट्स शेयर बैक टू द कंपनी। कंपनी के, कंपनी को वो अपना शेयर वापस बेच सकती है। श्रावणी के पास एक राइट है, जो राइट मैंने वर्षा को दिया था। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? तो वर्ड क्या है? पुट। पुट से बना पुटेबल, और हम पूरा नाम क्या बोल रहे हैं? पुटेबल इक्विटी शेयर्स। इसका मतलब क्या? राइट, बोलो बोलो बोलो, राइट टू सेल। ये राइट टू सेल किसके पास है? कंपनी के पास है कि शेयर होल्डर के पास है? राइट टू सेल शेयर होल्डर। तो आप चाहो तो ब्रैकेट भी लिख सकते हो, दीज आर ऑल्सो नोन एज पुटेबल। इसी पैराग्राफ में जो मैंने लिखवा है ना, दीज आर ऑल्सो नोन एज पुटेबल इक्विटी शेयर्स। ओके, समझ में आया यहां तक? अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल मुझे ये बताओ, कंपल्सरी संदीप सेल देना, आप ही लिख लो, मैं जब तक अभी लिखूं। कंपल्सरी कन्वर्टेबल डिबेंचर, कंपल्सरी कन्वर्टेबल डिबेंचर, कंपल्सरी कन्वर्टेबल डिबेंचर, कंपल्सरी कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल मतलब ये कौन सा डिबेंचर होता है? कंपल्सरी कन्वर्टेबल डिबेंचर मतलब क्या? ऐसा डिबेंचर इशू किया है कि आगे चल के कंपल्सरी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। कंपल्सरी वो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या होना चाहिए? लायबिलिटी की इक्विटी, टेल मी, कंपल्सरी कन्वर्टेबल डिबेंचर। मैंने आपको डिबेंचर इशू किए 10 लाख रुपए के, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, पर मैंने बोल दिया कि आफ्टर 5 ईयर्स मैं कंपलसरी इनको कन्वर्ट कर दूंगा इक्विटी शेयर्स में, और मैंने आपको बोल दिया कि मैं आपको हर व्यक्ति को एक डिबेंचर के बदले 3-3 शेयर दे दूंगा, एक डिबेंचर के बदले 3 शेयर दे दूंगा, 3 इक्विटी शेयर दूंगा। मैंने, बेटा आपका नाम? संदीप। मैंने संदीप को 10,000 डिबेंचर इशू किए, बताओ संदीप को कितने शेयर मिलने वाले हैं? जल्दी बताओ संदीप को कितने शेयर मिलने वाले? 30,000। 5 साल हुए, 5 साल बाद क्या संदीप आके मुझे ये बोल सकता है क्या कि सर मुझे तो पैसे वापस चाहिए? टेल मी, क्या संदीप बोल सकता है क्या पैसे वापस चाहिए? क्या संदीप कंपनी के ऊपर क्लेम कर सकता है क्या? इक्विटी कौन होता है? जो क्लेम नहीं कर सकता। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? और लायबिलिटी वाला कौन होता है? जो क्लेम कर सकता है। मुझे बताओ संदीप क्या कैश के लिए क्लेम कर सकता है क्या कि मुझे कैश चाहिए? जल्दी बोलो,
वो इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर बन सकता है, वो इक्विटी शेयर के लिए क्लेम कर सकता है। इसका मतलब संदीप को मैंने जो आज डिबेंचर इशू किए वो अल्टीमेटली कभी ना कभी तो क्या बनने वाले हैं, इक्विटी शेयर्स। मुझे बताओ कंपल्सरी कन्वर्टेबल डिबेंचर का बाय नेचर टेक्निकली होना क्या चाहिए, इक्विटी होना चाहिए कि लायबिलिटी होना चाहिए? एक ही आवाज में बोलो जल्दी, इक्विटी। पक्का कोई लायबिलिटी वाला नहीं है? हो तो मुझे बता दो, अपन डिस्कस करने को तैयार है। नहीं हो सकता रेडी, मैंने बोला ना कंपल्सरी, आगे वर्ड क्या लिखा है, कंपल्सरी। मतलब मैं 5 साल से पहले रिडीम नहीं करूंगा, मैं 5 साल से पहले रिडीम नहीं करूंगा, और 5 साल तक ये लॉक इन पीरियड है। लॉक इन पीरियड समझते हो, लॉक इन मतलब अब ये शेयर लॉक्ड हो चुका है, ये डिबेंचर लॉक हो चुका है, मतलब अब इसको मैं मार्केट में तुम वापस कहीं पे सेल भी नहीं कर सकते हो, तुम्हें इसको रिडीम ही करवाना पड़ेगा मुझसे। और रिडीम कैसे, कन्वर्ट करवा के, मतलब तुम्हें इसको शेयर ही देना पड़ेगा। आ रही है मेरी बात समझ में कि नहीं? गाइस टेल मी। हाँ जी, कुछ पूछ रहे थे आप, बोलना क्या डाउट क्या था? ओके, कंपल्सरी कन्वर्टेबल डिबेंचर जो मैंने इशू किया है, मैंने ये बोल दिया कि 5 साल तक तो मैं तुम्हें पैसे वापस करने वाला नहीं हूं। 5 साल का लॉक इन पीरियड है। लॉक इन पीरियड मतलब समझते हो क्या होता है? लॉक इन पीरियड मतलब तो 5 साल तक ये शेयर डिबेंचर मार्केट में जाके बेच नहीं सकता, इवन मैं भी तेरे को वापस नहीं करूंगा बॉस। समझ आया कि नहीं, बोलो बेटा। हाँ, तो इसको कहते हैं लॉक इन पीरियड। और 5वें साल के एंड में मैं तेरे को इक्विटी शेयर दे दूंगा। क्या लगता है इसका नेचर क्या होना चाहिए, इक्विटी की लायबिलिटी? फिर से बोलो, सभी लोग बोलो यार, इक्विटी। भाई मेरे फर्स्ट क्लास है क्या आपकी? अच्छा, कल का क्लास सेशन लिया था आपने। ओके, सो टेल मी, इक्विटी एंड लायबिलिटी दोनों में से क्या हुआ ये? इक्विटी। ये हमेशा इक्विटी होता है क्योंकि कंपनी की कोई ऑब्लिगेशन नहीं है रीपे करने की। अभी मैं इसमें आपको और चीजें बताऊंगा, अभी इसके इसके भाई बहन से मिलवाऊंगा अभी मैं आपको। पहले ये लिख लो कंपल्सरी कन्वर्टेबल वाला, मैंने बोला इक्विटी है तो इसका मतलब इक्विटी के अंदर दिखेगा। एक सेकंड ना, एक सेकंड। हाँ, क्या होता है बैलेंस शीट में, मैंने कल बोला था आपको कि मैं शेड्यूल 3 पढ़ाऊंगा आज। हाँ, तो आज जब मैं आपको शेड्यूल 3 पढ़ाऊंगा ना, तो उसमें मैं आपको एक एक हेड से मिलवाऊंगा कि एक एक हेड के अंदर क्या क्या आया जाता है। तो थोड़ा सा बस वेट कर ले, क्योंकि अभी मैं अगर बताना चाहूंगा ना तो बिना देखे बताऊंगा, बिना दिखाए बताऊंगा तो तेरे को मजा नहीं आएगा। अभी मैं दिखा दिखा के बताऊंगा कि शेड्यूल 3 में क्या आता है, तो ज्यादा तेरे को मजा आएगा। हाँ जी, आप कुछ पूछ रहे थे? अच्छा, यही पूछ रहे थे। तो इक्विटी, ये क्या होता है? इक्विटी, कंपल्सरी कन्वर्टेबल डिबेंचर। इसमें आप ऐसा लिख सकते हो, पहले तो आपने हेडिंग डाला, हाँ, इसमें लिख सकते हो लॉक इन पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, लॉक इन पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, आफ्टर फाइव ईयर्स इट विल बी कंपल्सरली कन्वर्टेड, इट विल बी कंपल्सरली कन्वर्टेड, इट विल बी कंपल्सरली कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर। Will be treated as equity, not liability. Will be treated as equity, not liability. अगर 5 साल के बीच में कंपनी वाइंड अप हो गई तो ऐसे केस में जनरली कंपनी
डिबेंचर होल्डर्स के साथ एक एग्रीमेंट करती है कि अगर हम मान लो 5 साल से पहले लिक्विडेट हो गए, वाइंड अप हो गए, तो हम आपको मिनिमम इतना पैसा दे सकते हैं, अगर ऐसा कुछ किया है कि मिनिमम इतना पैसा दे सकते हैं। मान लीजिए मैंने आपको 10 लाख रुपए के डिबेंचर इशू किए और मैंने आपको बोला कि 5 साल तक तो कुछ आना मत, मेरे को बोलना मत, ठीक है, और 5 साल बाद मैं तेरे को इसमें कन्वर्ट करके दे दूंगा शेयर में। पर 5 साल से पहले अगर मान लो मेरी कंपनी लिक्विडेट हो गई तो मैं तेरे को मिनिमम 3 लाख रुपए तो दूंगा ही दूंगा कैश। कितना दूंगा? अब मुझे बताओ 10 लाख के 2 हिस्से करूं? बताओ मिनिमम कितना देने का वादा किया है? 3 लाख। तो जब मिनिमम 3 लाख देने का वादा किया तो शायद मैं इसको क्या मान सकता हूं, मतलब ये मेरी ऑब्लिगेशन है? टेल मी, ये मेरी ऑब्लिगेशन होनी चाहिए कि नहीं? तो इसका मतलब मुझे इसको क्या मानना चाहिए? बोलो बेटा। और बाकी का 7 लाख का कोई वादा किया है क्या? जल्दी बोलो, बाकी का 7 लाख का कोई वादा किया है क्या? इसका मतलब मुझे इसको क्या मानना चाहिए? इक्विटी। सो टेक्निकली ये सब डिपेंड करता है कंपनी के साथ प्रोस्पेक्टस में क्या लिखा हुआ है। प्रोस्पेक्टस समझते हो ना? हाँ हाँ, मतलब कंपनी और डिबेंचर होल्डर्स के साथ एग्रीमेंट क्या हुआ है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? पर एग्रीमेंट अगर मान लो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है तो पूरे के पूरे 10 लाख को क्या मानेंगे? इक्विटी। कुछ समझ में आया कि नहीं? तो ये सारी कंडीशंस प्रॉस्पेक्टस में लिखी होंगी अगर, तो उसके अकॉर्डिंग आपका क्लासिफिकेशन होता है। समझ आया? बिल्कुल, 5 साल के लिए। जैसे ही 5वां साल खत्म हुआ, हमारी कंपनी वाइंड अप नहीं हुई है, पूरा का पूरा 10 लाख क्या माना जाएगा? इक्विटी। और ये कन्वर्ट हो जाएगा। बिल्कुल मिलता है। यस, डिबेंचर जैसा नेचर इसलिए है क्योंकि हमें उसको रीपे करना है इंटरेस्ट फिक्स, क्योंकि इक्विटी में हमेशा डिविडेंड फिक्स नहीं होता। तो मुझे इसको, देखो सीधी बात है, मैं मार्केट में गया और मुझे आप मिले और मैंने आपको बोला पैसे दो, आपकी शक्ल पे दिखा हुआ है कि आप पैसे बांटने वाले व्यक्ति हो, ठीक है ना? ठीक है ना, मैं आपके पास आया, आपने बोला सर मैं पैसे आपकी कंपनी में लगाने को तैयार हूं पर मुझे फिक्स इनकम चाहिए। मैंने बोला ये नहीं होता यार। नहीं सर, मुझे 5 साल तक तो मिनिमम फिक्स इनकम चाहिए, मेरे को भरोसा जीतना है आपकी कंपनी का, मैं देखूं तो सही कि आपकी कंपनी कितना कमा सकती है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? मैं आपकी कंपनी का भरोसा जीतना चाहती हूं। अरे बोलो ना यार, मतलब उसके लिए मैं पहले वेट करूंगी, मैं देखूंगी कि मैं आप कितना परफॉर्म करते हो अच्छे से, उसके बाद देखते हैं, अगर हुआ तो फिर आगे चल के आप मुझे इंटरेस्ट पे मत करना 5 साल बाद, मुझे मिनिमम 5 साल तक तो इंटरेस्ट चाहिए ही चाहिए। मुझे इनको क्या देना पड़ेगा? मैं क्या पहले दिन से ही मैं इनको इक्विटी शेयर इशू कर दूं? क्योंकि अगर मैंने पहले दिन से इक्विटी शेयर इशू कर दिया तो इनको क्या मैं फिक्स इंटरेस्ट पे कर पाऊंगा? ये खुद ही मुझसे नहीं लेंगी, ये बोलेंगी सर आज तो आप बोल रहे हो कि मैं फिक्स डिविडेंड दे दूंगा पर हो सकता है कल को मना कर दो। तो मेरी बात समझ में आई कि नहीं? तो इसका मतलब क्या हुआ, मुझे इनको डिबेंचर इशू करना पड़ सकता है। कुछ समझ में आया? टेल मी गाइस, कुछ समझ में आया कि नहीं? सो कंपल्सरी कन्वर्टेबल डिबेंचर्स क्या मानते हैं हमेशा इनको? इक्विटी। क्या मानते हैं बेटा? इक्विटी। क्लियर हुआ कि नहीं? ओके, कितने पॉइंट्स हो गए? 4। पांचवा नेक्स्ट इज कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशूड, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशूड एंड कन्वर्जन एट द ऑप्शन ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। कन्वर्जन एट द ऑप्शन ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। अब ध्यान से पहले इसको पढ़ना, जल्दबाजी मत करना। कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू किए हैं, ठीक है ना? मैंने ना कंपल्सरी वर्ड हटा दिया है, मैंने कंपल्सरी वर्ड हटा दिया है अब, और मैंने लिख दिया है कि कन्वर्जन एट द ऑप्शन ऑफ डिबेंचर होल्डर्स, एट द ऑप्शन। तुम चाहो तो तुम कन्वर्ट करवा सकते हो, तुम चाहो तो, और तुम ना चाहो तो कैश ले लेना। क्या होना चाहिए बताओ? हाँ, सबको समझ में आ गया कि नहीं? क्या होना चाहिए? यस, इट्स अ लाइबिलिटी। क्यों? क्योंकि सर अब आपके पास ऑप्शन है, आपकी मर्जी, अब आपकी चलेगी। आप शेयर चाहोगे तो शेयर मिल जाएंगे, आपको कैश चाहिए तो इसका मतलब सिंगल परसेंटेज का भी चांस है कि तुम मुझसे कैश
मांग सकते हो। और अगर कैश मांगोगे तो क्या मैं डिनाई कर सकता हूं? क्या मैं डिनाई नहीं कर सकता, मतलब मेरी ऑब्लिगेशन है। इसका मतलब मुझे इसको क्या मानना पड़ेगा? लायबिलिटी। तो लिखेंगे इसमें आप, कंपनी कैन नॉट डिनाई, कंपनी कैन नॉट डिनाई, कंपनी कैन नॉट डिनाई द कैश ऑब्लिगेशन इफ डिमांडेड। कंपनी कैन नॉट डिनाई द कैश ऑब्लिगेशन इफ डिमांडेड बाय द डिबेंचर होल्डर्स, इफ डिमांडेड बाय द डिबेंचर होल्डर्स, देयरफॉर इट इज अ, पता नहीं क्या, इट इज अ, टेल मी, देयरफॉर इट इज अ, ढीले हो सब लोग, तेज बोलो जल्दी, लाइबिलिटी, इट इज अ लाइबिलिटी। अरे समझ आया कि नहीं? टेल मी गाइस, पक्का क्लियर? ओके, कितने पॉइंट्स हो गए? हाँ, पांच। सिक्स्थ पॉइंट, शेयर एप्लीकेशन मनी, सुना है कभी? जानते हो शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड पेंडिंग फॉर अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड पेंडिंग फॉर अलॉटमेंट। कंपनी ने शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव किया इक्विटी शेयर्स के ऊपर। जब मैं लिखा हुआ ना शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव, तो समझ जाना कि वो इक्विटी वाला होगा। हाँ, तो शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड पेंडिंग फॉर अलॉट, पेंडिंग फॉर अलॉटमेंट मतलब, मतलब मैंने आपसे शेयर एप्लीकेशन मनी ले लिया है, अभी मैंने आपको शेयर्स का अलॉटमेंट नहीं किया है, पर मैं आपको अलॉटमेंट करूंगा, पेंडिंग फॉर अलॉटमेंट। टेल मी, इक्विटी की लायबिलिटी, मैंने आपसे पैसे ले लिए हैं, मैंने आपसे पैसे ले लिए हैं, उधर से मुझे जवाब दो, मुझे, मैं बहुत देर से चाह रहा हूं, इच्छा हो रही है, यहां से मुझे कोई जवाब ही नहीं मिल रहा है। बताओ क्या इक्विटी होगा कि लायबिलिटी होगा? और कुछ भी बोल दिया करो, कोई टेंशन नहीं है यहाँ पे ना, मैं तुम्हारा कोई ऐसा नहीं है कि मतलब मैं तुमने गलत बताया तो मैं आके बोलूंगा हाथ हाथ बात सामने करो, मैं छड़ी मारू, ऐसा कुछ नहीं होगा। जल्दी मुझे आंसर चाहिए, जल्द, टेल मी, इक्विटी। बेटा पीछे आप, इक्विटी, हाँ जी इधर साइड वाला, इक्विटी, कुछ तो भी बोल दे बेटा। अरे इक्विटी या लायबिलिटी में गलत भी बोल देगा तो चलेगा, बोल, बोलना पड़ेगा, जरूरी है, मेरी क्लास में जवाब तो देना पड़ेगा। लायबिलिटी, लायबिलिटी, ओके, मैं ये थोड़ी पूछ रहा हूं कि भाई क्यों लायबिलिटी बोला ना, डेट्स इट। हाँ जी, सभी लोग मुझे फिर से बताओ, कितने लोग बोल रहे हैं लायबिलिटी होगा? जितना ओवर सब्सक्राइब होगा उतना लायबिलिटी, और जितना ओवर सब्सक्राइब नहीं है, जितना मुझे अलॉट करना है शेयर्स उसके बराबर, तो मैंने तो नाम ही लिख दिया ना पेंडिंग फॉर अलॉटमेंट, मतलब ओवर सब्सक्राइब वाला मैंने हटा दिया पहले से ही। कभी भी अगर नाम लिखा है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग फॉर अलॉटमेंट, दैट मींस मुझे अलॉटमेंट करना ही करना है, उसके ऊपर का वैल्यू मैं ऑलरेडी हटा चुका हूं। अब थोड़ा सोचो क्या, हाँ इक्विटी स्टिल अभी भी कोई है क्या लायबिलिटी वाला? क्योंकि अगर कोई लायबिलिटी वाला है तो अपन डिस्कस करने को तैयार हैं, टेंशन मत लो। यस, लायबिलिटी बोल रहे हो? देखो बेटा, मैंने यहां पर सभी बैठे हुए लोगों को शेयर इशू किया, ठीक है ना, और शेयर इशू करने के लिए, शेयर इशू करने से पहले मैंने तुम सबसे पैसे बुलवाए, मैंने बोला शेयर एप्लीकेशन मनी दाओ। अब जैसे ही सबका शेयर एप्लीकेशन मनी मेरे पास आ गया, अभी मेरे पास पैसा आ चुका है, पर अभी तक मैंने उसके बदले शेयर अलॉट नहीं किए, पर मैं ये जानता हूं कि जितना भी मैंने एप्लीकेशन मनी लिया है ना, मैं सबको शेयर अलॉट करूंगा, मैं किसी को भी पैसे वापस तो नहीं करूंगा। मतलब एक बार मुझे ये पैसा आ गया, अब मैं ये पैसा वापस करने ही नहीं वाला, मैं इसके बदले सिर्फ शेयर ही दूंगा। क्या होना चाहिए? हाँ, क्या होना चाहिए? अब इसी का छोटा भाई, शेयर एप्लीकेशन मनी रिफंडेबल, क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन हो चुका है। टेल मी, शेयर एप्लीकेशन मनी रिफंडेबल लायबिलिटी। आई मेरी बात समझ में कि नहीं? तो शेयर एप्लीकेशन मनी दो टाइप के होते हैं। कौन से दो टाइप के होते हैं? टेल मी, कौन से दो टाइप के होते हैं? पहला पेंडिंग फॉर अलॉटमेंट, और दूसरा रिफंडेबल। रिफंडेबल को क्या मानोगे?
रिफंडेबल को क्या मानोगे? लाइबिलिटी. और पेंडिंग फॉर अलॉटमेंट को क्या मानोगे? इक्विटी. लिखो अपनी किताब में. शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग फॉर अलॉटमेंट लिखा है ना अभी तुमने, हाँ, तो इसमें लिखेंगे इट इज अ इक्विटी. इट इज अ इक्विटी सिंस शेयर्स विल बी इश्यूड. शेयर्स विल बी इश्यूड ब्रैकेट में नो ऑब्लिगेशन टू रीपे कैश. नो ऑब्लिगेशन टू रीपे कैश. और इसी के नीचे लिखोगे शेयर एप्लीकेशन मनी रिफंडेबल. अलग एग्जाम्पल बना के लिख दो चाहो तो, अलग पॉइंट बना के. शेयर एप्लीकेशन मनी रिफंड, शेयर एप्लीकेशन मनी रिफंडेबल. ब्रैकेट में लिख सकते हो ओवर सब्सक्रिप्शन. ओवर सब्सक्रिप्शन. हेयर देयर इज अ ऑब्लिगेशन टू रीपे कैश. देयर इज अ ऑब्लिगेशन टू रीपे कैश. Therefore, it is a liability. Therefore, it is a liability. समझ में आया क्या? जल्दी बोलो. पक्का समझ में आया? पक्का? ओके. ये कुछ examples I thought कि ये आपको समझना जरूरी है. जितने भी examples लिखवाए हैं थोड़े से अलग टाइप के, अलग ट्रैक के हैं, ये कॉमन एग्जांपल्स नहीं है, थोड़े से अलग टाइप के एग्जांपल्स हो गए. अब थोड़ा सा आपका दिमाग खुलना चाहिए कि हाँ मतलब क्या लायबिलिटी होती है और क्या इक्विटी होती है. थोड़ा सा ये एग्जांपल डिस्कस करने के बाद एटलीस्ट ये दिमाग में भेजे में बस ये डालो कि अच्छा ऑब्लिगेशन टू रीपे द कैश मतलब लायबिलिटी. नो ऑब्लिगेशन एट ऑल इक्विटी. दैट्स इट. समझ में आया कि नहीं? बोलो जल्दी बोलो समझ में आया कि नहीं? ओके. तीन बातें मैंने आपको करवा ली है. असेट का मतलब क्या होता है, लायबिलिटी का मतलब क्या होता है और इक्विटी का मतलब क्या होता है. दो चीजें बची हुई हैं, कौन सी? व्हाट डू यू मीन बाय इनकम्स एंड व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपेंस. व्हाट डू यू मीन बाय इनकम्स एंड व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपेंस. चलो इनकम. लिखो इनकम्स. लिखेंगे अच्छा लिखते लिखते ना थोड़ा समझते भी जाना है क्योंकि अब ना आपने असेट लायबिलिटी और इक्विटी को समझ लिया है तो ना अब आपके लिए इक्विटी में जो मैं आपको लिखवा रहा हूं ना वो पढ़ते पढ़ते लिखते लिखते ना आपको थोड़ा सा फैमिलियर चीजें आती जाएंगी. अच्छा हाँ ऐसा ओके ओके मतलब आपको लगेगा कि हाँ ये तो सिर्फ सुना सुना हुआ लग रहा है अब. तो इनकम मींस इंक्रीज इन फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स. इंक्रीज इन फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स या इवन यू कैन से इकोनॉमिक बेनिफिट्स. इंक्रीज इन इकोनॉमिक बेनिफिट्स ड्यू टू क्योंकि इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्यों बढ़ रहे हैं? ड्यू टू इंक्रीज इन असेट. और डिक्रीज इन लायबिलिटी. मैंने आपको असेट और लायबिलिटी की डेफिनेशन लिखवा ली है. इंक्रीज इन इकोनॉमिक बेनिफिट्स
ड्यू टू इंक्रीज इन असेट। अच्छा एक बार, असेट बढ़ने से आपको फायदा होता है कि नुकसान होता है? असेट बढ़ रही है आपकी, फायदा कि नुकसान? या फिर लायबिलिटी गिर रही है? लायबिलिटी गिर रही है, फायदा। तो इनकम मतलब क्या? या तो असेट बढ़ जाए तो आपके इकोनॉमिक बेनिफिट्स बढ़ेंगे कि गिरेंगे? बढ़ेंगे। या तो लायबिलिटी गिर जाए तो भी आपके इकोनॉमिक बेनिफिट्स बढ़ेंगे। सर बढ़ेंगे क्यों? लाइब्रेरी की जाकर डेफिनेशन पढ़ो। एक मिनट जाके जाइए, पहले लाइब्रेरी की जाकर डेफिनेशन पढ़िए। जो बच्चों ने लाइब्रेरी की डेफिनेशन मेरी क्लास में लिखी हुई है, कल की क्लास में जो जाके वो पढ़े। हाँ, आउटफ्लो, आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स। मतलब लाइब्रेरी में क्या होता है, मुझे इकोनॉमिक बेनिफिट्स का आउटफ्लो करना है। अब मैं बोल रहा हूं कि लाइब्रेरी गिर गई तो मतलब इकोनॉमिक बेनिफिट्स मेरे बच गए, मेरे इकोनॉमिक बेनिफिट्स का आउटफ्लो होने से बच गया। तो आउटफ्लो होने से बच गया तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरी इनकम बढ़ गई ना। अरे बोलो रे। तो इनकम मींस इंक्रीज इन फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स या इकोनॉमिक बेनिफिट्स ड्यू टू इंक्रीज इन असेट्स और डिक्रीज इन लायबिलिटी। यहां तक क्लियर? अभी खत्म नहीं हुआ है डेफिनेशन। ड्यू टू इंक्रीज इन असेट और डिक्रीज इन लायबिलिटी विच अल्टीमेटली increases the equity, मतलब capital, which ultimately increases the capital. Income मतलब ऐसी कोई भी चीज जो आपकी ultimately capital को बढ़ा दे। Capital समझते हो ना? अरे equity, जो आप जिससे आपकी equity बढ़ जाए। अरे shareholders की capital बढ़ जाए, इनकम होने से तो ऑब्वियसली कैपिटल बढ़ जाती है ना। फाउंडेशन, फाउंडेशन में फाइनल अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट्स में जब तुम प्रॉफिट निकालते थे पीएनएल का, तो प्रॉफिट को जाके किस में ऐड करते थे? कैपिटल में। तो कैपिटल बढ़ता था? बोलो रे, बढ़ता था कि नहीं? ठीक है, तो जब तुम अल्टीमेटली जाके प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड करते थे, तो अच्छा प्रॉफिट कैपिटल में जाके ऐड क्यों होता है? बोलो 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 ना, किसी ने कुछ बोला? सही बोला, कुछ बोला यार यहां से, तुम लोग फिर से चुप हो गए। तुमने बोला ना? हाँ बोलो बोलो। कैपिटल किसका होता है? ओनर का। प्रॉफिट भी किसका होता है? तो अल्टीमेटली ओनर का पैसा बढ़ रहा है ना। अरे कंपनी में किसका पैसा बढ़ रहा है? कंपनी अगर प्रॉफिट कमाएगी तो प्रॉफिट किसका है और कैपिटल किसका है? तो इसका मतलब प्रॉफिट किस में जाएगा? कैपिटल में। बोलो बच्चों, तो प्रॉफिट हमेशा किसके पास जाता है? ओनर के पास। और यहीं पर लॉस होता तो भी ओनर का कैपिटल कम होता है ना। अरे बात समझ में आ रही कि नहीं? तो इनकम मतलब क्या, मेरे साथ साथ पढ़े पहले। इनकम मतलब क्या, क्या लिखा है? इंक्रीज इन इकोनॉमिक बेनिफिट्स ड्यू टू, क्यों क्यों बढ़े इकोनॉमिक बेनिफिट्स, क्यों बढ़े? ड्यू टू एसेट बढ़ गई इसीलिए, या फिर लायबिलिटी घट गई इसीलिए। और उसका अल्टीमेट इफेक्ट किस पे जा रहा है? कैपिटल पे, इक्विटी पे। उसकी इक्विटी क्या हो रही है? विच अल्टीमेटली इंक्रीजेस द इक्विटी, विच अल्टीमेटली इंक्रीजेस द। अभी भी खत्म नहीं हुआ है, अभी भी खत्म नहीं हुआ है डेफिनेशन। सोचो, तेरी असेट बढ़ने से इनकम का मतलब होता है कि असेट का बढ़ना, जिससे अल्टीमेटली तेरी इक्विटी बढ़ जाए। मैं थोड़ा सा इसमें पीछे हिस्ट्री में जाऊंगा ताकि सबको पहले क्लियर हो जाए। बच्चों हम सब जानते हैं, अगर हम कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं तो भी, नहीं भी हैं तो भी, क्योंकि हमने सबने सीए फाउंडेशन सीपीटी वगैरह सबने दिया होगा, और अगर डायरेक्ट एंट्री वाले होंगे तो भी हमने कहीं ना कहीं अपना अपने कॉलेजेस में पढ़ा होगा कि हम अपनी अकाउंट्स में डबल एंट्री सिस्टम करते हैं। अरे डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है? डबल एंट्री सिस्टम, हर ट्रांजैक्शन, हर इवेंट के दो पहलू होते हैं। हर ट्रांजैक्शन और इवेंट के दो पहलू होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। होता है कि नहीं होता है? अगर ये पॉइंट देखा जाए तो सोचो, अगर एक हाथ से तेरी असेट बढ़ रही है, एक हाथ से तेरी असेट बढ़ रही है, सुनना मेरी बात ध्यान से, तो इसका दूसरा कुछ ना कुछ तो पहलू होगा। अरे बोलना यार, दूसरा कुछ ना कुछ तो पहलू होगा। जैसे एग्जाम्पल, बेटा नाम क्या है?
आदित्य, मैं आदित्य से पूछ रहा हूँ अभी, आपको मुझे कोई जवाब नहीं देंगे, अगर आदित्य नहीं दे पाएगा तो आप लोग मुझे जवाब दे देंगे, ठीक है ना। आदित्य मुझे एक बात बता बेटा, शेयर इशू करने की एंट्री क्या होती है, इक्विटी शेयर इशू करने की? आपने इशू का एक चैप्टर था आपके फाउंडेशन में, शेयर इशू करने की एंट्री क्या होती बेटा? टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू, हाँ सभी लोग बोलो यही एंट्री होती है क्या? फिर से बोलना, शेयर इशू करने की एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक क्या होता है? तुम्हारी एसेट, एसेट बड़ी, जल्दी बोल, एसेट बड़ी कि नहीं बड़ी? तो उसका दूसरा पहलू इक्विटी बड़ा कि नहीं? अरे इक्विटी शेयर कैपिटल, तो इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होता है? इक्विटी, अरे बोलना यार, बड़ी कि नहीं बड़ी? अच्छा बेटा आपका नाम क्या है? यस खुशी। ड्रॉइंग की एंट्री क्या होती है? ड्रॉइंग, ड्रॉइंग, ड्रॉइंग सबने सुना है ना, हाँ ड्रॉइंग अगर आपने कैश में किया तो क्या एंट्री होती है बेटा? ड्रॉइंग टू कैश, ड्रॉइंग टू कैश। अब सोचो कैश टू कैश हुआ तो असेट, असेट कम हुई, असेट तो कम हुई, उसका दूसरा पहलू ड्रॉइंग कहां जाता है? ड्रॉइंग कहां जाता है? कैपिटल, तो कैपिटल भी कम होगा, जल्दी बोलना। तो कहीं ना कहीं मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस का अल्टीमेट इफेक्ट किस पे जाता है? कैपिटल पे, बोलो बेटा। वैसे ही मैं तेरे को बोल रहा हूं कि यहां पर तेरा क्या इंक्रीज हो रहा है, जल्दी बोल। इनकम मतलब ऐसी कोई भी चीज जिससे क्या हो जाए? एसेट इंक्रीज हो रहा है। और उसका दूसरा पहलू क्या इंक्रीज हो रहा है? इक्विटी इंक्रीज हो जाए। या दूसरा, इनकम मतलब ऐसी कोई भी चीज जिससे तेरी लायबिलिटी, एक बार बता, लायबिलिटी डिक्रीज होने से भी तो तेरी इक्विटी बढ़ जाएगी। अरे बोलना यार बेटा, क्लियर हुआ कि नहीं? या तो एसेट इंक्रीज हो जाए तो तेरी कैपिटल भी इंक्रीज हो जाएगी, या तो लायबिलिटी डिक्रीज हो जाए तो भी तेरा कैपिटल बढ़ना चाहिए। अरे बोलना यार पक्का। अब मैं आखिरी में एक छक्का होने वाला है, एक आखिरी में छक्का मारने वाला हूं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है पॉइंट यहां पर। सर इक्विटी बढ़ जाए, आप कह रहे हो ऐसी कोई भी चीज जिससे अल्टीमेटली इक्विटी बढ़ जाए, अल्टीमेटली जिससे इक्विटी बढ़ जाए। ऐसे तो सर अभी आदित्य से आपने एक क्वेश्चन पूछा था, क्या क्वेश्चन पूछा था? शेयर इशू करने की एंट्री क्या होती है? क्या एंट्री होती है बेटा? बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट टू। तो सर ये क्या इनकम हुई क्या? कंपनी ने शेयर इशू किया, क्या कंपनी के लिए एक इनकम है? हाँ या नहीं? कंपनी ने शेयर इशू किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी कैपिटल, क्या कंपनी के लिए इनकम है? द आंसर इज नो। अरे कंपनी ने तुमसे पैसा लिया है, कंपनी ने बाजार से पैसा लिया है, तो कंपनी के लिए इनकम हो गई क्या? कंपनी के लिए इक्विटी है, इनकम नहीं है। पर इससे क्या असेट बढ़ रही है क्या? मैं जो पूछ रहा हूं पहले मुझे जवाब दो। अब उलझ रहे हो मुझे पता है, क्योंकि मैंने ही उलझाया है, मैं ही वापस से तुम्हें निकालूंगा, तो प्लीज मुझे जवाब दो, अपने आप सुलझ जाओगे। जो पूछ रहा हूं वो सिंपल सी मुझे बताओ, कैश अकाउंट डेबिट टू इक्विटी कैपिटल हुआ कि नहीं? यस और नो? यस और नो? अगर हो यस तो क्या कैश बढ़ा? कैश बढ़ा तो इसका मतलब असेट बढ़ी, बढ़ी कि नहीं? और यहां से इक्विटी बढ़ी, जल्दी बोलो इक्विटी बढ़ी। पर क्या ये लगता है, फील दे रहा है क्या आपको ये कि इनकम है? क्या ये आपको फीलिंग आ रही है क्या इनकम टाइप की? नहीं सर, वो तो बाजार से पैसा लिया है। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? तो इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अभी डेफिनेशन पूरी नहीं है, अभी डेफिनेशन कंप्लीट नहीं है, क्योंकि डेफिनेशन में देखो लिखा क्या है कि इनकम मतलब इंक्रीज इन असेट जिसकी वजह से आपकी इक्विटी बढ़ जाए, या डिक्रीज इन लायबिलिटी जिसकी वजह से आपकी इक्विटी बढ़ जाए। सर जब आप शेयर इशू करते हो तो भी तो असेट बढ़ती है, तो क्या वो इनकम हो जाएगी क्या? नहीं। तो इसीलिए लास्ट में अपने को लिखना होता है, मैं पूरी डेफिनेशन वापस से डिस्कस करूंगा पर पहले लिख लें अपन, लास्ट में लिखना होता है अदर देन कॉन्ट्रीब्यूशन From owners, अब इसको पढ़ो अच्छे से, अब पढ़िए थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से।
क्योंकि जब तक मैंने ये वाला पॉइंट लिखा नहीं था ना, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ओनर्स वाला, तब तक तो सारे ट्रांजेक्शन इसमें आ गए। पर क्या सारे ट्रांजेक्शन इनकम के हो सकते हैं क्या? नहीं भाई, शेयर इशू करना क्या इनकम होती है क्या? नहीं, शेयर इशू करना इनकम नहीं होती है। अरे मेरी बात बताओ, जल्दी बताओ मुझे। अच्छा बेटा, आपका नाम? सुयश। डिबेंचर इशू करने की एंट्री बोलना। डिबेंचर कैश में इशू किए, एंट्री बोल। कैश अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, तो कैश अकाउंट डेबिट क्या बड़ा, असेट की लाइबिलिटी? जल्दी बोल, असेट। और डिबेंचर इशू किया, और डिबेंचर मान ले कन्वर्टेबल नहीं है, सिंपली डिबेंचर है, 5 साल बाद पैसे वापस करने पड़ेंगे। टेल मी, डिबेंचर बड़ा क्या बड़ा? लाइबिलिटी। एक क्या बड़ा? असेट। और दूसरा क्या बड़ा? तो इस डेफिनेशन में देख, आ ही नहीं रहा है, क्योंकि इस डेफिनेशन में क्या लिखा है, ध्यान से देख इसमें क्या लिखा है, इंक्रीज इन असेट और डिक्रीज इन लाइबिलिटी। यहां पर तो इंक्रीज इन असेट एंड इंक्रीज इन लाइबिलिटी हो रहा है, और आगे क्या लिखा है, विच अल्टीमेटली इंक्रीज द इक्विटी। यहां पर कोई इक्विटी बढ़ी नहीं रही, तो क्या इश्यू ऑफ डिबेंचर एक इनकम होती है क्या? नहीं। चल दूसरा, अंकुर वाला, अंकुर आदित्य, आदित्य वाला आंसर फिर से। शेयर इशू करने की एंट्री क्या होती है? सभी लोग बोलो, शेयर इशू करने वाली एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। चलो, बैंक अकाउंट डेबिट क्या बड़ा? असेट। हाँ, इंक्रीज इन असेट, एक पॉइंट तो हो गया, इंक्रीज इन असेट। बोलो बेटा, दूसरा टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल से क्या बड़ा? इक्विटी। तो मतलब हाँ, विच अल्टीमेटली इंक्रीजेस द इक्विटी। बट लास्ट में पढ़ो जो येलो येलो किया हुआ है, अदर देन कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम ओनर्स। पर जब अगर तूने, अगर ओनर ने कोई कॉन्ट्रीब्यूट किया है पैसा, वो कोई इनकम होती है क्या? वो कोई कंपनी की इनकम होती है क्या? नहीं। तो ओनर कभी भी अगर कॉन्ट्रीब्यूट कर दे, उससे भी तो असेट बढ़ सकती है, उससे भी तो इक्विटी बढ़ सकती है, पर उसको कभी भी इनकम नहीं कहेंगे। समझ में आया कि नहीं? तो कॉन्ट्रीब्यूशन को छोड़कर अगर तुम्हारी इक्विटी बढ़ रही है, कॉन्ट्रीब्यूट उसने बेचारे ने किया ही नहीं, उसके बाद भी इक्विटी बढ़ गई, मतलब प्रॉफिट हुआ होगा। ओनर ने पैसा लगाया ही नहीं, कॉन्ट्रीब्यूट मतलब पैसा लगाना, ओनर ने पैसा लगाया ही नहीं कंपनी में, फिर भी इक्विटी बढ़ गई, कैपिटल बढ़ गई। ओनर के बिना कॉन्ट्रीब्यूट करने से अगर कैपिटल बढ़ जाए और असेट बढ़ जाए, तो इसका मतलब क्या है? ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गेन है। ओनर के बिना कॉन्ट्रीब्यूट करने से उसका कैपिटल बढ़ जाए, तो क्या है ये? गेन हुआ कि नहीं हुआ? इसको हिंदी में लिख लो कि ओनर के बिना कॉन्ट्रीब्यूट करने से अगर उसका कैपिटल बढ़ जाए, तो इसी को इनकम बोलते हैं। तो सर वाई तो आपने लिखवा है ना, फिर हिंदी में क्यों लिखवा रहे हो? कुछ बच्चों के लिए जरूरी है हिंदी में लिखना, मैं होता तो मैं तो लिखता, क्योंकि एक्चुअली जब हिंदी में अपन उस चीज को समझते पढ़ते हैं ना, तो ज्यादा समझ में आता है कि ओनर के बिना कॉन्ट्रीब्यूट किए अगर उसका इक्विटी बढ़ जाए, मतलब कैपिटल बढ़ जाए, तो डेफिनेटली उसके लिए वो गेन है, मतलब वो इसके लिए इनकम है। ओनर के बिना कॉन्ट्रीब्यूट करने से भी अगर इक्विटी बढ़ती है, ओनर के बिना कॉन्ट्रीब्यूट करने से भी अगर कैपिटल या इक्विटी बढ़ती है, तो उसके लिए वो गेन है। गेन है मतलब इनकम है। समझ आया? लिखेगा? नहीं, पूछ रहा हूं, नहीं लिखना तो कोई टेंशन नहीं। क्लियर हुआ कि नहीं? आज की क्लास में बताया तुम लोगों में, ये फील करवाना चाह रहा हूं कि हम पढ़ते तो बहुत टाइम से आए हैं, असेट क्या होती है, लाइबिलिटी क्या होती है, इक्विटी क्या होती है, इनकम क्या होती है, पर साला कभी डीपली मीनिंग उसका अपन ने कभी समझा ही नहीं है एक्चुअली में। कि यार देखो, हमें पढ़ना है, हमें हमें अकाउंट्स का पूरा कोर्स कंप्लीट करना है, पर पहले इस पोजिशन पे तो आ जाए कि साला कोई बेसिक मीनिंग तो अपने को पता हो हर चीज की। गाइस, अंडरस्टूड और नॉट? टेल मी, इनकम के डेफिनेशन क्लियर है कि नहीं? जल्दी मुझे बताओ। अगर तुम लोगों को इनकम की डेफिनेशन क्लियर है, तो एक बार पहले पूरा पढ़ो मेरे साथ साथ, पूरा पूरा पढ़ो, चलो चिल्ला के जल्दी। इंक्रीज इन बेनिफिट्स ड्यू टू इंक्रीज इन असेट, या तो फिर डिक्रीज इन लायबिलिटी विच अल्टीमेटली अफेक्ट्स इंक्रीजेस द इक्विटी, इक्विटी अदर देन कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम ओनर्स। आई मेरी बात समझ में? सर थोड़े से ना और एग्जाम्पल दो, ठीक है? आपका नाम क्या बेटा? माधव।
माधव से मैंने गुड्स परचेज किए, माधव से मैंने गुड्स परचेज किए, एंट्री क्या की होगी? क्रेडिट पे परचेज किया, क्रेडिट पे परचेज अकाउंट डेबिट टू माधव, माधव मेरा कौन बन गया? लाइबिलिटी, बोलना यार। तो लाइबिलिटी बड़ी, लाइबिलिटी बड़ी मतलब ये इनकम तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इनकम के में क्या होता है, लाइबिलिटी गिरती है, तो ये लाइबिलिटी बड़ी है मतलब ये इनकम में तो नहीं आया। मैं पहले से ही क्लियर कर रहा हूं ये इनकम नहीं है। पर माधव को मुझे 2 महीने बाद पेमेंट करना था, मैंने माधव से 50,000 के गुड्स लिए थे, मुझे उसको पेमेंट करना था 50,000, मैंने उसको फाइनल सेटलमेंट किया 45,000 में, 5,000 बच गए। गेन हुआ कि नहीं हुआ? सोचो, ध्यान से सोचो, माधव को मुझे 50,000 रुपए देने थे, मैंने उसको 45,000 दिए, तो 5,000 बच गए, मतलब 5,000 से लाइबिलिटी गिर गई, 5,000 से लाइबिलिटी गिर गई, मतलब मुझे इकोनॉमिक बेनिफिट मिला, मतलब इंक्रीज इन इकोनॉमिक बेनिफिट हुआ 5,000 का, ड्यू टू बिकॉज, क्यों, रीजन, डिक्रीज इन लाइबिलिटी डिक्रीज हुई कि नहीं? और क्या ये 5,000 क्या किसी ओनर ने पैसा लगाया है क्या? तो ये क्या हुआ? इनकम इज 5,000। आया समझ में कि नहीं? मतलब लाइबिलिटी गिरने से भी तेरी इनकम होती है। समझ में आया कि नहीं? जल्दी बोलो, क्लियर हुआ कि नहीं? पक्का इनकम की डेफिनेशन क्लियर है? अगर इनकम की तेरे को डेफिनेशन क्लियर है, तो अब तू एक्सपेंस की डेफिनेशन जस्ट इसको पढ़ पढ़ के उल्टा उल्टा करके बना सकता है। नहीं, लिखना नहीं है, पहले मेरे साथ बना। मींस इंक्रीज की जगह क्या आ जाएगा? डिक्रीज इन इकोनॉमिक बेनिफिट्स ड्यू टू डिक्रीज इन असेट, असेट घट जाना, और इंक्रीज इन लाइबिलिटी विच अल्टीमेटली डिक्रीजेस द इक्विटी, जिससे कैपिटल कम हो जाए। अदर देन, अब कॉन्ट्रीब्यूशन वर्ड नहीं आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रीब्यूशन पैसा आया, डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉइंग, ड्रॉइंग वो उससे पूछा था मैंने खुशी से, याद है कि नहीं? ड्रॉइंग, ड्रॉइंग, ड्रॉइंग से आपका कैपिटल कम होता है, पर क्या वो खर्चा होता है क्या? नहीं। ड्रॉइंग करना क्या खर्चा होता है क्या कंपनी का? नहीं। तो अदर देन क्या? जल्दी बोलो, अदर देन डिस्ट्रीब्यूशन टू ओनर्स, फ्रॉम ओनर्स नहीं, टू ओनर्स। अरे समझ आया कि नहीं? तो खुद से लिख सकते हो डेफिनेशन कि नहीं? लिखो एक्सपेंस के डेफिनेशन। लिख लिया डेफिनेशन? अगर लिख लिया तो मुझे बताइए कि आपने क्या लिखा है। क्या आपने ये लिखा है, एक्सपेंस मींस डिक्रीज इन इकोनॉमिक बेनिफिट्स ड्यू टू डिक्रीज इन असेट्स और सभी बच्चे इंक्रीज इन लाइबिलिटीज विच अल्टीमेटली डिक्रीजेस द इक्विटी, मतलब कैपिटल, अदर देन डिस्ट्रीब्यूशन टू ओनर्स, डिस्ट्रीब्यूशन टू ओनर्स मतलब ड्रॉइंग्स, डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर हम बात कर रहे हैं ड्रॉइंग की, तो आप चाहो तो सिंपलिसिटी के लिए इसका एग्जाम्पल डिस्ट्रीब्यूशन को बोल सकते हो ड्रॉइंग, एरो करके लिख देना ड्रॉइंग। मैं उसी एग्जाम्पल पे आ रहा हूं, माधव से गुड्स परचेज किए थे, एंट्री क्या की थी हमने बताओ? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू माधव, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू माधव। अब इस ट्रांजेक्शन को देखो, क्या इस ट्रांजेक्शन में टू माधव मतलब क्रेडिटर बढ़ गया क्या?
तो मतलब इंक्रीज इन लाइबिलिटी हुआ है कि नहीं, बोलो बेटा। और क्या माधव से गुड्स परचेज करना क्या ये डिस्ट्रीब्यूशन टू ओनर्स होता है क्या? इसमें कहीं मैं कोई ओनर को पैसे दे रहा हूं क्या? नहीं, तो माधव मेरा ओनर भी नहीं है, बोलो ना बेटा। तो क्या ये जो माधव बड़ा मतलब सॉरी माधव नहीं बड़ा, मेरी लाइबिलिटी बड़ी, मेरी लाइबिलिटी बड़ी क्यों? क्योंकि मैंने गुड्स परचेज किए। अच्छा परचेज किए, तो परचेज तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाता है, बोलना। इसका मतलब तेरे इकोनॉमिक बेनिफिट्स कम हो गए, क्योंकि तू माधव को आउटफ्लो करेगा, तू कैश देगा। अरे इकोनॉमिक बेनिफिट्स आउटफ्लो होगा। और ये तेरा कोई कैपिटल में कोई वो हो रहा है क्या? तेरा कैपिटल क्या बोलते हैं, कौन डिस्ट्रीब्यूशन है क्या? जल्दी बोल। नहीं, तो टेक्निकली परचेस अकाउंट डेबिट टू माधव जो मैंने किया है, ये मेरा एक्सपेंस हुआ कि नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि इससे मेरी क्या बड़ी है, लाइबिलिटी। अल्टीमेटली अगर मेरी लाइबिलिटी बड़ी है, जिससे मेरी आगे चल के इक्विटी गिर जाएगी। समझ आए कि नहीं? सर गिरेगी क्यों? क्योंकि मैंने परचेस किया है। परचेस करने से क्या होगा? प्रॉफिट कम होगा। प्रॉफिट कम होता होगा तो इक्विटी कम हो जाएगी। आई मेरी बात समझ में कि नहीं? यस बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी भाई, वो तो जब क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास बचेगा तो। एक सेकंड। हाँ लास्ट में करना है वो, मतलब जब मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक बचेगा तो। अभी मैं उस पे आऊंगा अभी कि उसका फंडा क्या होता है, अभी मैं आऊंगा। हाँ जी, डिक्रीज इन। हाँ बेटा, एक्सपेंस इंक्लूड्स लॉसेस आल्सो। एक्सपेंसेस में लॉसेस इंक्लूड्स होते हैं। आई मेरी बात समझ में? अरे बोलो ना। तो एक काम करो, लिखो इनकम इंक्लूड्स गेन्स, एक्सपेंस इंक्लूड्स लॉसेस। इनकम इंक्लूड्स गेन्स, एक्सपेंस इंक्लूड्स लॉसेस। इनकम इंक्लूड्स गेन्स, एक्सपेंस इंक्लूड्स लॉसेस। गाइज अंडरस्टूड और नॉट? पक्का? ओके, सो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको? फाइनली जाके अब हमने आज खत्म किया है असेट लाइबिलिटी इक्विटी इनकम्स और एक्सपेंसेस को। पांच पॉइंट्स को खत्म करने के लिए हमने तकरीबन तकरीबन 2.5 क्लासेस लगाई हैं। पांच पॉइंट्स कौन सी हमने पढ़ी अभी तक, जल्दी बोलो। असेट्स, लाइबिलिटीज, इक्विटी, इनकम्स, एक्सपेंसेस। सब क्लियर है कि नहीं यहां तक? अच्छा, वो चार प्रिंसिपल्स कौन से पढ़े थे हमने? रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर। यहां तक क्लियर है कि नहीं? पुटेबल इक्विटी शेयर क्या होता है? मैंने लिखवाया था आज। पुटेबल इक्विटी शेयर क्या होता है? राइट टू सेल। किसके पास राइट होता है? शेयर होल्डर के पास कि कंपनी के पास? शेयर होल्डर के पास। आई बात समझ में? इसलिए वो कंपनी के लिए क्या होता है? ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन मतलब लाइबिलिटी। गाइज अंडरस्टूड और नॉट? यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं, जल्दी बोलो। पक्का? ओके, शेड्यूल 3 पर अपने को चलना है। पर शेड्यूल 3 पे चलने से पहले एक छोटा सा पॉइंट और मुझे याद आ रहा है अभी, क्योंकि आपने स्टॉक वाला पॉइंट का बात किया, तो मुझे लगता है कि उस पर अपन थोड़ी सी चर्चा करें, फिर अपन शेड्यूल 3 की तरफ चलेंगे। राइट, मुझे कुछ आपको ट्रेडिंग अकाउंट का बेसिक फंडा बताना है। एंड आई नो कि बहुत सारे बच्चों को हो सकता है पता भी हो, बट एक पॉइंट अब निकला है तो अपन उस पर जरूर चर्चा करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट पहले मुझे आप लोग बताइए, ट्रेडिंग अकाउंट में कौन कौन से आइटम्स आते हैं? डेबिट साइड लिखूं पहले कि क्रेडिट साइड वाले बता रहे हो? कौन से बता रहे हो? डेबिट वाले बता रहे हो? चलो बोलो। ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस माइनस रिटर्न्स करके मैंने नेट परचेजेस मान लिया, ठीक है। और वेजेस, मान लो मेरी कंपनी में कोई वेजेस है ही नहीं, मेरी कंपनी में कोई डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, मान लो
आता है वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंस, डोंट वरी, बट मैंने बोला कि मेरी कंपनी में कोई डायरेक्ट एक्सपेंस और वेजेस नहीं है. नहीं है भाई, मैं गुड्स परचेस करके बेच देता हूँ, खत्म बात. जल्दी बोलो. हाँ तो वो भी नहीं है, बस डेबिट साइड में दो ही आएंगे फिर. हाँ ठीक है, क्रेडिट साइड. जल्दी बोलो सेल्स. अरे मेरा कहने का मतलब, कुछ लोग ना मुंह बना रहे हैं, मेरा कहने का मतलब जरूरी थोड़ी कि हर कंपनी में वेजेस और कैरेज इनवर्ड हो सकता है. नहीं हो भाई, मेरी मर्जी, खर्चे नहीं कर रहा हूं मैं, नहीं कर रहा हूं खर्चे. हाँ बोलो सेल्स. हाँ क्लोजिंग स्टॉक और बस जीपी लिखूं, ओनर की ड्राइंग गुड्स की. मैंने वो नेट लिख दिया ना बेटा यार, नेट परचेस, क्योंकि ओनर अगर गुड्स की ड्राइंग करेगा तो परचेस में से माइनस होगा सिंपली. वो मैंने नेट लिख दिया, वो अंडरस्टूड है. हाँ प्रॉफिट है मान लो जीपी, और कुछ नहीं आएगा क्या? पक्का सच्ची? ठीक है तुम बोल रहे हो जीपी आएगा तो मैंने जीपी लिख दिया. अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं? अच्छा इसको अब मैं ऐसा बोल रहा हूं कि मान लो साल के शुरुआत में, साल के शुरुआत, तुम्हारे पास कैलकुलेटर है ना सबके पास? निकालो निकालो अपना कैलकुलेटर, निकालो निकालो अपने शस्त्र, मतलब कैलकुलेटर सिर्फ, पता नहीं क्या मान लोगे. हाँ निकालो अपने वेपन्स. हाँ सो तेरे पास ओपनिंग स्टॉक था 20,000 के कॉस्ट का, ओपनिंग स्टॉक था तेरे पास 20,000 की कॉस्ट का. तूने गुड्स परचेज किए, तूने गुड्स परचेज किए साल भर में से 4 लाख रुपीस के, तूने परचेज किया 4 लाख रुपीस का, कितना हो गया? 4 लाख की कॉस्ट का. कोई रिटर्न नहीं, कोई ओनर का ड्राइंग नहीं, कुछ नहीं, कोई वेजेस नहीं, कोई कैरेज नहीं, कोई फ्रेट नहीं, कुछ नहीं, कोई डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं. बताओ तेरे पास कितने के गुड्स हो गए? कितने के गुड्स हो गए? 4 लाख 20,000. गाइस अंडरस्टूड और नॉट? उसमें से तूने 420 है ना, इसमें से तूने 3,50,000 की कॉस्ट के गुड्स 4,80,000 में बेचे. पहले सुन लो, जल्दबाजी मत करो. 3,50,000 की कॉस्ट के गुड्स तूने बेचे 480 में, 480 में बेचे, ठीक है? बता तेरे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना बचना चाहिए? तेरे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना बचना चाहिए? 70,000. कैसे? कैसे सर? हमारे पास टोटल गुड्स कितने के रखे हैं, उसमें से हमने कितने की कॉस्ट के गुड्स बेचे, कितने में बेचे वो एक अलग बात है, पर कितने के कॉस्ट के थे? 350 की कॉस्ट के थे, तो 420 में से 350 के गुड्स गए, कितने बचे? कितने बचे? तो 70 तेरे पास क्या होना चाहिए? जल्दी बोलना क्या होना चाहिए तेरे पास? 70 का क्लोजिंग स्टॉक होना चाहिए. पर जब तू अपने गोडाउन में गुड्स का फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन करने गया तो तूने पाया कि 5,000 के गुड्स मिल नहीं रहे, लॉस्ट. 5,000 के गुड्स दिख नहीं रहे, लॉस हो गए. मेरी बात समझ में आ रही है? मैं क्या बोल रहा हूं? चोरी हो गए. 5,000 के गुड्स क्या हो गए? चोरी हो गए. बता तेरे पास टेक्निकली क्लोजिंग स्टॉक कितने का पड़ा है? 60. अगर ये सारी बातें मैं यहां पर दिखाऊं तो मुझे बताओ ओपनिंग स्टॉक कितना लिखूंगा मैं? कितना लिखूंगा? 20. परचेसेस बोलो. हाँ 4 लाख. क्लियर बेटा?
जल्दी बोलो, सेल कितना लिखूंगा? ध्यान से देखो, सेल कितना लिखूंगा? जल्दी बोलो, 350K कितने में? 480 में, तो 480 लिखूंगा कि नहीं? 480. जल्दी बोलो, क्लोजिंग स्टॉक कितना लिखूंगा? 65 का कि 70 का? 65 का कि 70 का? 65 का कि 70 का? 65 का, क्योंकि हमारे पास एक्चुअली कितने का पड़े? 65. जल्दी बोलो, कुछ और आएगा कि जीपी निकालोगे? कुछ और आएगा कि जीपी निकालोगे? यहां पर क्या लिखूंगा मैं? लॉस बाय थेफ्ट कितना? 5000. जीपी निकालो. 1 लाख, 1,30,000, जो कि तुम्हारा यहां से डायरेक्ट भी निकल सकता है. देखो ध्यान से, इसको देखो ध्यान से. देखो सर क्या देखना है इसमें? अरे 350 की कॉस्ट के गुड्स थे, कितने में बेचे? 480 में, तो कितने का फायदा हुआ? हाँ, 1,30,000. कुछ आया समझ में कि नहीं? तो इसका मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में लॉस बाय थेफ्ट या डैमेज्ड गुड्स जितना भी होता है, शॉर्टेज, ये सब भी आता है. मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? मतलब क्लोजिंग स्टॉक के अलावा हमारा शॉर्टेज ऑफ गुड्स भी आ जाती है. मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में शॉर्टेज ऑफ गुड्स भी आती है. सर अगर नहीं लिखते तो क्या होता? मान लो अगर मैं ये नहीं लिखता, क्लोजिंग स्टॉक तो 65 लिखना पड़ता ना, क्योंकि फिजिकल तो मेरे पास 65 है, तो जीपी मेरा कितना हो जाता? बोलो बेटा, जो कि गलत होता. जीपी मेरा 125 गलत होता कायदे से. क्यों? जीपी का मतलब क्या होता है? फुल फॉर्म. क्या मतलब होता है जीपी का? गुड्स सेल करने पर कितना प्रॉफिट हुआ. गुड्स सेल करने पर जीपी मीन्स द प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ गुड्स. बाकी जितने भी लॉसेस वॉसेस है वो छोड़ छाड़ कर, उनको कंसिडर ना किया जाए, तो सिर्फ और सिर्फ अगर मैं गुड्स बेचा तो मुझे कितना प्रॉफिट हुआ. तो गुड्स बेचने पर तो मुझे प्रॉफिट टेक्निकली 1,30,000 का हुआ, जबकि यहां पर दिख कितने का रहा है? 125 का. हाँ तो सर 125 का हुआ ना, 5,000 तो आपको नुकसान है. 5,000 नुकसान मेरा सेल पर नहीं है. क्या 5,000 नुकसान मेरे को सेल पर है क्या? नहीं, 5,000 का नुकसान तो मेरे को क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर है. मेरी बात समझ में कि नहीं? तो कायदे से मेरा जीपी तो 130 ही होना चाहिए, क्योंकि मेरा लॉस मतलब कुछ मेरी गुड्स की शॉर्टेज हो गई. कितने गुड्स की शॉर्टेज हो गई? पर सर प्रॉफिट 5,000 आपका नुकसान तो हुआ है ना, तो सर टेक्निकली तो नेट तो आपका 125 हुआ. मैंने बोला यस, नेट 125 हुआ ना, तो मैंने कब मना किया? यहां तुम जीपी लेके आओ और यहां अल्टीमेटली तुम क्या बुक करोगे? एबनॉर्मल लॉस. कितने का एबनॉर्मल लॉस? तो अब तुम्हारा नेट प्रॉफिट कितने का हुआ? मैंने कब मना किया कि नेट प्रॉफिट मेरा 125 नहीं है? मेरा प्रॉफिट 125 ही है. पर जीपी का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट ओनली ऑन सेल. शॉर्टेज वॉर्टेज जाए भाड़ में, वो बाद में देखेंगे, वो सब पीएनएल में जाएगा. कुछ आया समझ में कि नहीं? अरे बोलो ना यार, गाइज अंडरस्टूड और नॉट? तो अगर मैं इसको करूं तो मैं क्या कर सकता हूं? 420 हुआ, 420 के मुझे बताओ तीन हिस्से होने चाहिए. एक होता है COGS. COGS का फुल फॉर्म कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. कितने का COGS है मेरे पास? 3,50,000. देखो ना यार, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कितने के गुड्स सेल किए हैं? 3,50,000 के. जल्दी बोलो. उसके बाद होना चाहिए आपके पास शॉर्टेज. क्या होना चाहिए? शॉर्टेज कितना? जल्दी बोलो कितना. और लास्ट क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर ये आ जाएगा आपका कितना? 65,000. कुछ आया समझ में कि नहीं? बोलो बेटा, क्लियर हुआ कि नहीं? तो मैंने भी तो वही किया. मैंने भी वही किया. आप जो फॉर्मूला बोल रहे हो ना, ओपनिंग प्लस, जल्दी बोलो सब लोग बोलो, परचेजेस माइनस इज इक्वल सीओ. अब मैं अगर ये बोलूं कि ओपनिंग प्लस परचेज और ये माइनस में है, तो इसको उधर ले जाओ,
इक्वल टू के उधर ले जाओ, इज इक्वल टू सीओ जी एस प्लस क्लोजिंग, यही तो पढ़ा ना तुमने फॉर्मूला, तुमने ऊपर का पढ़ा है, मैंने नीचे का लिख दिया, दिक्कत क्या है? अरे नहीं आएगा समझ में? हाँ मैंने भी वही लिखा है, ओपनिंग प्लस परचेज टोटल, उसमें से ये आ गया इज इक्वल टू सीओ जी एस प्लस क्लोजिंग। अब तुम्हारा जबकि टेक्निकली फॉर्मूला क्या हो गया, ओपनिंग प्लस परचेज इज इक्वल टू सीओ जी एस प्लस क्लोजिंग प्लस शॉर्टेज। टेक्निकली हम फॉर्मूले को अब बढ़ा रहे हैं थोड़ा सा, अरे समझ आ रहा है कि नहीं? तो बताओ अब फॉर्मूला क्या बोलोगे तुम? तुम्हारे हिसाब से अभी तक फॉर्मूला क्या था, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग, ठीक है सही है, माइनस क्लोजिंग आएगा डेफिनेटली, इज इक्वल टू सीओजीएस। अब क्या होगा, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, माइनस क्लोजिंग माइनस शॉर्टेज, सोचो ना यार, माइनस शॉर्टेज इज इक्वल टू सीओजीएस, नहीं ऐसा नहीं? या थोड़ा सा अब अपने इस तरीके से सोचो क्या होना चाहिए, ओपनिंग प्लस परचेज इज इक्वल टू, ओपनिंग और परचेज ये मिलकर इज इक्वल टू किसके किसके बराबर होता है, सीओजीएस प्लस शॉर्टेज प्लस क्लोजिंग, इट इज वन इन द सेम थिंग। अरे बोलना रहा तो लिखो ये फॉर्मूला अपनी बुक में, अपनी उसमें कॉपी में लिखो ये फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला लिखवा है मैंने, ओपनिंग प्लस परचेजेस इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस परचेजेस इज इक्वल टू क्या, सीओजीएस प्लस, प्लस होगा कि माइनस होगा, प्लस शॉर्टेज प्लस क्लोजिंग स्टॉक। हम अज्यूम कर रहे हैं कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है, हम अज्यूम कर रहे हैं कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है, ठीक है ना? ओ भाई समझ में आया कि नहीं, जल्दी बोलो, सबको समझ में आया पक्का? एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप मुझे सॉल्व करके बताएंगे, लिखो एक एग्जाम्पल। ओपनिंग स्टॉक 50,000, परचेजेस 6 lakhs, परचेजेस 6 lakhs, क्लोजिंग स्टॉक 75,000, ऑफ द गुड्स परचेस्ड, लिखो लिखो, 95% ऑफ गुड्स परचेस्ड वर सोल्ड एट 20% प्रॉफिट। On cost, calculate GP. आपको याद आ रही होगी आपके फाउंडेशन के एक चैप्टर की इन्वेंट्री, याद आ रही कि नहीं याद आ रही? तो सर आप हमें फाउंडेशन क्यों पढ़ा रहे हो? डोंट वरी, ये सारी बातें आपको आने वाले चैप्टर्स में बहुत सारी काम आने वाली है। आपका एक चैप्टर है ब्रांच अकाउंट्स और डिपार्टमेंट, उसमें काम आएगा ये इन्वेंटरी का चैप्टर, बहुत बड़ा काम आता है उसमें। जीपी
इट्स नॉट नेसेसरी कि आप मेरा वाला फॉर्मूला लगाओ, आप अपना दिमाग चलाओ, आप अपना दिमाग चलाओ। 1,89,000 जीपी, 89,962 जीपी, वन लैख 9,000 जीपी, 1,09,000 109, ओके 1,09,000, मैक्सिमम लोग 1,09,000 बोल रहे हैं। 1,00,000 114, 114, किसी ने कोई शॉर्टेज निकाला क्या? लाइक फोर, शॉर्टेज ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। अब जो निकालना है निकाल लो, मुझे ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए, मुझे ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए, बनाओ। ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, टेंशन मत लो, जिनसे नहीं हो रहा मैं बैठा हूं, मैं करवाऊंगा, पर मैं चाह रहा हूं कि पहले खुद से करके देखो। डोंट वरी, मैं पूरा करवाऊंगा। ट्रेडिंग अकाउंट बन गया? जब भी सेल लिखो और क्लोजिंग स्टॉक लिखो, बीच में जगह छोड़ दिया करो, क्या पता शॉर्टेज आ जाए। कोई नहीं, यस टेल मी, अगर मैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊं तो सबसे पहले कितना क्या लिखना चाहिए मुझे? कितना? परचेजेस जल्दी बोलो, 6,00,000 परचेज, 6,00,000। हाँ नेक्स्ट, सेल कितना आएगा? 1 सेकेंड, 95% ऑफ गुड्स परचेज, कितने परचेज किए? 6,00,000 परचेज किए, तो इसका 95% करो 5,00,000। इसमें तो सब लोग क्लियर है ना? 6,00,000 का 95% आजकल 570 होता है, जल्दी बोलो। और उसको कितने में बेचा? 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, तो 570 के ऊपर 20% बढ़ा दो, तो 570 प्लस 20% कितना? 684। ये सबका आया कि नहीं? अरे सबका आया कि नहीं? हाँ, ये सेल है, पर इस सेल का COGS कितना है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 570, अरे इसका COGS, इसकी कॉस्ट 570, क्लोजिंग स्टॉक कितना है? हाँ, अब होता क्या है बच्चों कि हमें ये लगता है कि ओपनिंग दिया हुआ है, क्लोजिंग दिया हुआ है, परचेज दिया हुआ है, सेल दिया हुआ है, जीपी निकाल लो, पर दिमाग नहीं चलता कि यार एक बार चेक तो कर लें, फिजिकल वेरिफिकेशन, कोई शॉर्टेज तो नहीं है,
शायद कुछ लोगों ने ये करके इसीलिए 1,09,000 निकाला होगा, जिन जिन बच्चों का 109 आ रहा था तो शायद ऐसा कुछ करके निकाला था, यही कुछ किया था क्या? बट तुम्हें थोड़ा सा बस दिमाग लगाना यह है कि यह वर्किंग अपनी जगह, हम थोड़ा सा अलग से प्रूव करके देखते हैं कि एक्चुअली में यह वर्किंग बनती है कि नहीं। तो हमने बोला फॉर्मूला, हमारा फॉर्मूला फॉर्मूला क्या, ओपनिंग कितना है, ओपनिंग 50 प्लस परचेजेस, कितना है परचेजेस 6 लाख, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू क्या, सी ओ जी एस मतलब 5,70,000 प्लस क्लोजिंग मतलब कितना 75 प्लस शॉर्टेज, यही होता है ना फॉर्मूला, मतलब एक्स। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कोई शॉर्टेज आ रहा है क्या, चेक करो कोई शॉर्टेज आ रहा है क्या, हाँ कितना आ रहा है एक्स इज इक्वल टू 5,000। अरे समझ आया कि नहीं, तो इसका मतलब मुझे यहां पर क्या लिखना चाहिए, शॉर्टेज। और फॉर्मूले की जरूरत ही क्या है, मैं तो कहता हूं लॉजिकली सोचो, तेरे पास टोटल गुड्स कितने थे, तेरे पास टोटल गुड्स कितने थे 650 के, टोटल गुड्स से 650 में से तूने कितने के गुड्स बेच डाले, तो 650 में से 570 माइनस कर, कितने के, कितने बचने चाहिए तेरे को, 80 बचने चाहिए, पर तेरे पास बचे कितने, तो पक्की बात है ना 5,000 शॉर्टेज हुई होगी। हाँ अरे बोलना यार, समझ आया कि नहीं, तेरे पास 80 बचने चाहिए पर तेरे पास 75 बचे हैं, इसका मतलब क्या हुआ होगा, 5,000 की शॉर्टेज। कुछ समझ में आया कि नहीं, तो तेरा जीपी कितना आया बताना, 1,00,000। हाँ पर नीचे क्या आएगा, जीपी लिखेंगे 114, यहां कुछ लिखेंगे क्या, जल्दी बोलो यहां कुछ लिखेंगे क्या, हाँ क्या लिखेंगे, एबनॉर्मल लॉस, कितना बोलो बच्चों कितना 5,000। समझ आएगी नहीं, तो जरा नेट प्रॉफिट ठीक है वो 109 आया, वो कोई दिक्कत नहीं है, बोल बेटा क्लियर हुआ कि नहीं, पक्का नॉट नेसेसरी, मैंने बोलो ना कितने गुड्स थे, मैं बिना, मैं फॉर्मूला मन में भी तो लगा सकता हूं ना, जरूरत नहीं कि लिखना ही पड़े, मतलब लॉजिकली सोचना कितने गुड्स थे 650, कितने के बेच दिए 570, तो कितने बचने चाहिए 80, बचे कितने हैं 75, तो शॉर्टेज निकली कितनी 5। वो अलग बात है कि तेरे को वहां पर एग्जाम में सॉल्व करने के लिए अगर तू वर्किंग नहीं करेगा तो नंबर नहीं मिलेंगे, नंबर्स के लिए दिखाना पड़ेगा, बट लॉजिकली आप बिना भी तो उसके कर सकते हो ना, ये बात है। टेल मी गाइस, यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं, अरे ट्रेडिंग का फंडा समझ में आया कि नहीं आया, हाँ शॉर्टेज यहां पर क्यों आ रहा है, अब समझ में आ रहा है कि नहीं, जल्दी बोलो। एनीवेज तो ये वाला पॉइंट एक डिस्कस इसलिए करना था क्योंकि स्टॉक पे बात चल रही है, तो अपन ने सोचा कि अपन इसको समझ लें कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। अभी मैं इस पे और चर्चा करूंगा बट अगली क्लासेस में चर्चा आराम आराम से करता जाऊंगा ना, मैंने बोला है कि बेसिक्स अभी चलता रहेगा। नाउ जितना भी मेरे पास समय है, अभी भी अपने पास अच्छा खासा समय है, आई वॉन्ट टू डिस्कस समथिंग अबाउट शेड्यूल 3। I want to discuss something about Schedule 3, but Schedule 3 को मैं full-fledged discuss नहीं करूंगा अभी, कि मतलब अपन point-wise पढ़ते जा रहे हैं, वो अपन अगली क्लासेस में करते हुए चलेंगे आराम आराम से, राइट? आपको Schedule 3 के नोट्स नहीं दिए गए होंगे अभी, नहीं दिए गए होंगे ना, डोंट वरी, मैं चाहता भी नहीं हूं कि आपके पास अभी नोट्स में से आप पढ़ो, क्योंकि वो फिर ध्यान आपका भटकेगा, आपको जब नोट्स मैं प्रोवाइड करूंगा तब की तब देखेंगे। अभी सिर्फ हम कुछ बातें समझना चाहते हैं कि शेड्यूल 3 के रिस्पेक्ट में क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे कैसे चीजें होती हैं। शेड्यूल 3 सबसे पहले मेरी बात समझना, ये शेड्यूल 3 नाम क्या है, पूरा नाम पढ़ो क्या लिखा है, शेड्यूल 3 टू द कंपनीज एक्ट 2013 डिवीजन 1। नाउ व्हाट इज दिस डिवीजन 1 एंड व्हाट इज दिस शेड्यूल 3 टू द कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 13, आई थिंक फाउंडेशन में भी कंपनीज एक्ट था ना, कुछ लिमिटेड सेक्शंस थे ना फाउंडेशन में, हाँ कोई सीपीटी का है क्या,
सीपीटी, सीपीटी इस बार था कि नहीं था? अच्छा सीपीटी खत्म ही हो गया, कोई भी सीपीटी का प्रोडक्ट नहीं है, सब फाउंडेशन वाले होंगे, कुछ लोग डायरेक्ट एंट्री वाले होंगे, ठीक है कोई नहीं। तो कंपनीज एक्ट किसके ऊपर लगता है? कंपनीज के ऊपर। सर कैसी फालतू की बातें पूछ रहे हो। हाँ कंपनीज एक्ट किसके ऊपर लगता है? कंपनीज के ऊपर। कंपनीज एक्ट मैंडेटरी ये कहता है कंपनीज को कि आपको आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनानी पड़ेंगी और आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे बताए गए फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही बनाने पड़ेंगे। कंपनीज एक्ट कहता है कि जो फॉर्मेट हम बोलेंगे उसी फॉर्मेट में आपको आपकी बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस देना पड़ेगा। तो हमने पूछा कंपनीज एक्ट से कि फॉर्मेट दो, तो कंपनीज एक्ट ने बोला कि मेरे एक्ट में फॉर्मेट नहीं है, मैं अलग से उसका एक शेड्यूल बना रहा हूं, तुम उसमें से जाके फॉर्मेट जाके चेक कर लो। एक्ट में क्या होते हैं? सेक्शंस। बोलो क्या होते हैं? सेक्शंस और रूल्स, ठीक है ना। एक्ट में क्या होते हैं? सेक्शंस होते हैं और रूल्स होते हैं। बट रूल्स के अलावा अगर मान लो लिखा हुआ है सेक्शन में कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, आपको बैलेंस शीट पीएनएल बनाने पड़ेंगे जैसा हम कहेंगे, अब उन्होंने कहां कह दिया? उन्होंने कह दिया शेड्यूल नंबर 3 में कि आपको इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? अब शेड्यूल 3 में कंपनीज एक्ट ने जब ये डिसाइड हुआ कि फॉर्मेट हमारा होना चाहिए, तो शेड्यूल 3 शेड्यूल 3 में 3 टाइप के फॉर्मेट बनाए गए। पहला फॉर्मेट को रखा गया डिवीजन 1 में, दूसरे फॉर्मेट को रखा गया डिवीजन 2 में, और तीसरा फॉर्मेट रखा गया डिवीजन 3 में। कुल मिला के शेड्यूल 3 में 3 डिवीजन हैं, मतलब 3 अलग अलग फॉर्मेट है। बैलेंस शीट के ही 3 फॉर्मेट, पीएनएल के ही 3 फॉर्मेट, 3 अलग अलग फॉर्मेट्स हैं। तो सर मतलब हमें तीनों फॉर्मेट याद रखने हैं? नहीं, एज ए स्टूडेंट फिलहाल तुम्हें सिर्फ पहला वाला फॉर्मेट याद रखना है, सीए फाइनल में तुम्हें दूसरा वाला याद रखना है, सीए बनने के बाद तुम्हें तीनों याद रखने हैं। सर ये 3 फॉर्मेट्स क्या हैं? कुल मिला के सारी कंपनीज को 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला, जो भी बैंकिंग कंपनीज होंगी, कौन सी कंपनीज? बैंकिंग कंपनीज और इंश्योरेंस कंपनीज होंगी, उनके ऊपर लगेगा कौन सा फॉर्मेट? जल्दी बोलो कौन सा फॉर्मेट? डिवीजन 3। तो डिवीजन 3 इज एप्लीकेबल ओनली फॉर बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज। किसके ऊपर अप्लाई होता है? जो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, मतलब बैंकिंग कंपनीज और इंश्योरेंस कंपनी का फॉर्मेट किसमें बताया गया? डिवीजन 3 में, जो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। अरे समझ आया कि नहीं? दूसरा, वो कंपनीज जिनके ऊपर इंड एएस फॉलो होता है। क्या फॉलो होता है? नाम सुना है? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी 2 होते हैं, एक होते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और एक होते हैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लिस्टेड कंपनीज के ऊपर अप्लाई होता है। किसके ऊपर अप्लाई होता है? किसके ऊपर अप्लाई होता है? लिस्टेड कंपनी के ऊपर अप्लाई होता है। और अनलिस्टेड कंपनी के ऊपर अप्लाई होता है जिनकी नेटवर्क 250 करोड़ से ज्यादा होती है। पहले सुन लो ध्यान से, इंड एएस कौन सी कंपनीज के ऊपर अप्लाई होता है? पहला लिस्टेड कंपनीज के। पहला कौन सी? ये लिस्टेड कंपनीज कौन सी होती है? जिनके शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होते हैं, जिनके शेयर्स की ट्रेडिंग की जा सकती है, परचेज सेल किए जा सकते हैं। अरे बोलो ना यार। दूसरा, इंड एएस अनलिस्टेड कंपनीज के ऊपर भी एप्लीकेबल होते हैं अगर अनलिस्टेड कंपनी की नेटवर्थ 250 करोड़ और मोर है। तो कितनी नेटवर्थ? नेटवर्थ 250 करोड़ और मोर, 250 करोड़ और मोर। आई मेरी बात समझ में कि नहीं? नेटवर्थ अगर 250 करोड़ और मोर है तो उनके ऊपर भी क्या एप्लीकेबल होगा? इंड एएस। अब कौन सी कंपनी बच गई? सोचो कौन सी कंपनी बच गई? अनलिस्टेड जिनकी नेटवर्थ 250 करोड़ से नीचे है, तो उनके ऊपर अप्लाई होता है डिवीजन 1, मतलब एएस। तो डिवीजन 2 वो कंपनीज जो क्या फॉलो करती हैं? कंपनीज फॉलोइंग
इंड एस क्या फॉलो करती है? इंड एस। अरे बोलो रे। और जो कंपनीज इंड एस फॉलो नहीं करती, मतलब छोटी छोटी कंपनीज जो 250 करोड़ से नीचे वाली हैं, अनलिस्टेड, उनके ऊपर कंपनीज फॉलोइंग एएस, उनके ऊपर कौन सा फॉर्मेट एप्लीकेबल है? जल्दी बोलो, कौन सा फॉर्मेट एप्लीकेबल है? डिवीजन वन। तो डिवीजन वन का फॉर्मेट उन कंपनीज के लिए है जो कंपनीज इंडेस नहीं लगाती, डिवीजन टू का फॉर्मेट उनके लिए है जो इंडेस लगाती हैं, और डिवीजन थ्री किसके लिए है? जो बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनीज है। मेरी बात समझ में आएगी नहीं? अभी आपके सिलेबस में क्या रखा गया है? क्या रखा गया? डिवीजन वन। क्योंकि पहले एएस की नॉलेज तो हो जाए, फिर चलेंगे अपन इंडेस में। तो पहले आपके इंटरमीडिएट में डिवीजन वन एप्लीकेबल है, फाइनल में डिवीजन टू अप्लीकेबल है। क्यों? क्योंकि फाइनल का जो अकाउंट्स का सब्जेक्ट है, जिसको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बोला जाता है, उसमें पूरा का पूरा इंडेस होता है, उसमें एएस है ही नहीं। और अगर पूरा का पूरा इंडेस है तो फिर आपको कौन सा डिवीजन पढ़ना पड़ेगा? डिवीजन टू। अरे बोलो रे गाइस, अंडरस्टूड और नॉट? पर जब आप सीए इंटरमीडिएट क्लियर करने के बाद आर्टिकलशिप करोगे, और आर्टिकलशिप करोगे तो अगर आप बैंक के ऑडिट्स करोगे, तो बैंक के ऑडिट्स करते दौरान आपको डिवीजन थ्री दिखाई देगा। कुछ बात समझ आएगी नहीं? और सीए बनने के बाद, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आपको टेंटेटिवली तीनों के तीनों डिविजन्स पता होने चाहिए, क्योंकि आपके अगर आप अगर प्रैक्टिस में हो तो आपके क्लाइंट्स हो सकता है 250 करोड़ के नीचे भी होंगे, आपके क्लाइंट्स 250 करोड़ से ऊपर भी होंगे, और आपके क्लाइंट्स बैंक्स भी होंगे। तो आपको तीनों की नॉलेज होनी चाहिए। मेरी बात समझ में आएगी नहीं? तो पहले अपन बेसिक नॉलेज पे, इंटरमीडिएट पे अपन बात करेंगे डिवीजन वन की। कुछ समझ में आया अभी शेड्यूल थ्री का फंडा? ये आपके सामने बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, और बैलेंस शीट के फॉर्मेट को पार्ट वन बोला गया है। कौन सा पार्ट वन? पार्ट वन। पी एंड एल को पार्ट टू। डिवीजन वन का पार्ट वन मतलब बैलेंस शीट, पार्ट टू मतलब? पार्ट टू मतलब अच्छा, फॉर्मेट क्या टी शेप होगा क्या? नहीं, फॉर्मेट टी शेप नहीं होगा। तो फॉर्मेट कौन सा होगा? वर्टिकल। और वर्टिकल में ऊपर क्या आएगा, नीचे क्या आएगा? जल्दी बताओ। ऊपर क्या आएगा? लाइबिलिटीज, खाली खाली लाइबिलिटीज नहीं, लाइबिलिटीज के साथ साथ इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। और नीचे क्या आएगा? असेट्स। अरे बोलो रे। आपको सिर्फ नॉलेज पर्पस के लिए बता रहा हूं, जो डिवीजन टू है ना, डिवीजन टू मतलब कौन सी कंपनीज? हाँ, मतलब इंड एस वाली, इन शॉर्ट कौन सी वाली कंपनीज, उनका फॉर्मेट उल्टा है। पहले क्या आता है, नीचे क्या आता है? इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। उनका फॉर्मेट उल्टा हो गया है। उनका फॉर्मेट बताया गया पहले असेट्स, फिर नीचे इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। पर सर फॉर्मेट ही उल्टा है ना, नीचे अंदर की चीजें, अंदर की चीजें भी अलग अलग है, नाम भी बदल दिए उन्होंने। बात समझ में आ रही कि नहीं? एनीवेज, ये डिवीजन वन का फॉर्मेट है, जहां पर अपने को ऊपर इक्विटी एंड लाइबिलिटीज आता है और नीचे असेट्स आता है। वापस आते हैं इधर, बताइए पहली हेडिंग क्या है? टेल मी, सभी लोग, सभी बच्चे बोलो जल्दी, पहली हेडिंग क्या है? शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड मतलब, ये मैं आपको बता दूं, शेयर होल्डर फंड का मतलब होता है यहां पर इक्विटी। शेयर होल्डर फंड आपका क्या होता है? इक्विटी। मतलब यहां पर सारे के सारी इक्विटी इक्विटी की बातें आएंगी। इसमें पहली चीज क्या लिखी हुई है? टेल मी, इसमें पहली चीज क्या लिखी हुई है? शेयर कैपिटल। पहली चीज क्या लिखी हुई है? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए शेयर कैपिटल में? क्या इक्विटी शेयर कैपिटल आना चाहिए? हाँ या ना? बोलो यस और नो। यस। क्या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आना चाहिए? आज कुछ एग्जांपल्स लिखवाए थे, आज कुछ एग्जांपल्स लिखवाए थे मैंने, रिडीमेबल इरिडीमेबल, सोच के बताओ शेयर कैपिटल में क्या आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए। अगर तुम्हारा शेयर कैपिटल इक्विटी नेचर का है तो फिर यही आना चाहिए, और अगर वो लाइबिलिटी नेचर का है तो? अरे मैंने लिखवाया था रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, लिखवाया था कि नहीं?
देखो ना यार, लिखा था कि नहीं लिखा था? क्या लिखा था आपने? उसको आंसर क्या दिया था? रिडीमेबल प्रेफरेंशियल कैपिटल मैंने आपको क्या लिखवाया था? लाइबिलिटी। तो क्या अगर वो लाइबिलिटी होता तो क्या वो यहां पर आना चाहिए क्या? नहीं, वो आपका कहां आना चाहिए? नीचे, नॉन करंट लाइबिलिटी वगैरह कहीं पर। मेरी बात समझ गए कि नहीं? सर मतलब वो कैपिटल है तो भी इधर नहीं आएगा? भाई वो इक्विटी है क्या? अगर वो इक्विटी है तो आएगा, और अगर वो इक्विटी नहीं है तो नहीं आएगा। वो कहां जाएगा? कहां जाएगा? लाइबिलिटीज में जाएगा। कुछ आया समझ में कि नहीं? बोलो ना बेटा। अच्छा एक चीज और लिखवाई थी, कंपल्सरी कन्वर्टेबल डिबेंचर, याद करो लिखवाया था कि नहीं? कंपल्सरी कन्वर्टेबल डिबेंचर। अब मुझे बताओ वो इस वाले हेड में आएगा कि नीचे नॉन करंट लायबिलिटी में आएगा? ऊपर वाले में आएगा। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? अरे बोलो रे। क्लियर? सबसे पहले शेयर होल्डर फंड जिसको अपन इक्विटी बोलते हैं, उसमें तीन चीजें आती हैं। पहली चीज कौन सी है? थोड़ा तेज बोलो सभी लोग। पहली चीज कौन सी है? शेयर कैपिटल। दूसरा? दूसरा इज, ये क्या होता है? रिजर्व एंड सरप्लस। कोई एग्जाम्पल्स रिजर्व एंड सरप्लस के? सिक्योरिटी प्रीमियम, ओके। और कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, और डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, ओके। और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पनसेशन। नहीं बेटा, रिजर्व्स एंड सरप्लस का मतलब होता है आज तक के कमाए हुए प्रॉफिट्स। इन शॉर्ट, रिजर्व्स एंड सरप्लस को हम कहते हैं आज तक के कमाए हुए प्रॉफिट्स इंक्लूडिंग सिक्योरिटी प्रीमियम। अब वो आज तक के कमाए हुए प्रॉफिट तुमने किसी भी नाम से रखे हुए हैं, तुमने प्रॉफिट अर्न किया, तुमने डाल दिया जनरल रिजर्व में, तो वो बन गया जनरल रिजर्व। तुमने प्रॉफिट अर्न किया, थोड़ा सा डाल दिया डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में, डीआरआर में, तो वो बन गया डीआरआर। भाई नाम कोई भी हो सकता है। तुम्हारा नाम क्या है? घर पे क्या बोलते हैं? सैंडी। सैंडी घर, यहां पे बोलते हैं। घर पे क्या बोलते हैं? संदीप। मम्मी प्यार से क्या बुलाती है? हा? बाबू, बेटा, कुछ नहीं। बाबू सोना तो कोई और बुलाती होगी। हा? तो तेरे कई सारे नाम है ना, पर तू है तो एक ही आदमी ना। हाँ, तू कौन है? तू प्रॉफिट है। पर तेरे नाम अलग अलग हैं। तेरा नाम क्लास में क्या है? सैंडी, मतलब जनरल रिजर्व। तेरा नाम घर पे क्या है? संदीप, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस। अरे मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? तेरे वो बाबू सोना वाली लड़की क्या बुलाती है तेरे को? मतलब वो जो भी बुलाती है, तू बन गया कैपिटल रिजर्व। आया समझ में कि नहीं? पॉइंट टू बी नोटेड इज रिजर्व्स एंड सरप्लस मतलब आज तक के कमाए हुए प्रॉफिट्स जो अलग अलग जगह पे रखे हुए हैं, जो कुछ जनरल रिजर्व में रखा हुआ है, कुछ डीआरआर में रखा हुआ है, कुछ सीआरआर में रखा हुआ है, कुछ पीएनएल के क्रेडिट बैलेंस में पड़ा हुआ है, कुछ शायद सिक्योरिटी प्रीमियम में रखा हुआ है, अलग 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 जगह पे रखे हुए। तो सर अलग जगह पे क्यों रखे हुए हैं? एक ही कर दो। नहीं, पर्पस अलग अलग है। कुछ ना कुछ अलग अलग पर्पस से रखे हुए मैंने, कि ये इतना प्रॉफिट इधर मैं यूज करूंगा, इतना प्रॉफिट इधर यूज करूंगा, इतना प्रॉफिट यहां यूज करूंगा। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? सो गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड, रिजर्व्स एंड सरप्लस मींस ओवरऑल प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनीज, कंपनी का सारा इकट्ठा बना हुआ प्रॉफिट जो कि अलग अलग नाम से दिख रहा है। कुछ आया समझ में कि नहीं? उसमें से एक होता है सिक्योरिटी प्रीमियम। आज के बाद तुम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नहीं बोलोगे, सिक्योरिटी प्रीमियम बोलोगे, क्योंकि अमेंडमेंट हो चुका है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में से रिजर्व वर्ड हट चुका है। अब हम सिर्फ क्या बोलते हैं?
सिक्योरिटीज प्रीमियम बोलते हैं. गाइज अंडरस्टूड और नॉट? पक्का? सो गाइज रिजर्व एंड सरप्लस मतलब आज तक के कमाए हुए प्रॉफिट्स. गाइज अंडरस्टूड और नॉट? क्लियर? ओके. तीसरा क्या है? ये क्या है? मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वॉरेंट्स. ये क्या होता है? ओह, वो नीचे है, उसके जस्ट नीचे है. शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, उसके जस्ट नीचे. जल्दी बोलो, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वॉरेंट्स. शेयर वॉरेंट क्या होता है? शेयर वॉरेंट क्या होता है? जल्दी बोलो, फिर से बोलना. सर्टिफिकेशन ऑफ ओनरशिप? नहीं. हाँ, शेयर वॉरेंट में थोड़ा थोड़ा सही बोला, थोड़ा थोड़ा सही नहीं बोला. नहीं 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 गाइस, शेयर वॉरेंट मतलब, शेयर वॉरेंट मतलब ये समझो कि मैंने एक कागज लिया, मतलब सर्टिफिकेट लिया, पर वो शेयर सर्टिफिकेट नहीं है. मैंने एक कागज लिया और उस पर लिख दिया कि मैं कंपनी हूं, मैंने सैंडी से आज 50,000 रुपए लिए हैं, उसके बदले मैं संदीप को फ्यूचर में इतने के शेयर्स दूंगा, और जो ये बाबू है ये अपने सोना को शेयर ट्रांसफर आगे चल के कर सकता है या किसी और को भी ट्रांसफर कर सकता है, और ये मैंने कागज पे साइन करके सैंडी को दे दिए. शेयर वॉरंट मतलब एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें कंपनी पहले से ही तुम लोगों से पैसे ले लेती है. बात समझ कि नहीं? पर शेयर अलॉट नहीं करती, और शेयर अलॉट करती है तुम्हें फ्यूचर में, मतलब फ्यूचर में अलॉट करने का वादा करती है. और चाहो तो ये तुम किसी और को कागज दे दो, अगर वो सामने वाला आएगा तो मैं शेयर उसको दे दूंगा. कुछ आया समझ में कि नहीं? अब इसको पूरा नाम पढ़ो, क्या लिखा है. मनी रिसीव्ड फ्रॉम संदीप अगेंस्ट शेयर वॉरंट, पर मैं आगे चल के क्या दूंगा? शेयर. तो ये भी तो एक तरीके से इक्विटी हुआ, पैसे ले लिए, वापस नहीं करूंगा, मतलब ये लाइबिलिटी नहीं है. समझ आया कि नहीं? टेल मी गाइस, समझ आया कि नहीं? मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वॉरंट मतलब मैंने तेरे से पैसे ले लिए और मैं तेरे को फ्यूचर में शेयर इशू करूंगा. कुछ आया समझ में कि नहीं? गाइस टेल मी, यहां तक क्लियर है कि नहीं? चलो यहीं पर क्लोज करें. सो गाइस थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय माता दी, अल्लाह हाफिज़.